Hello, 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 hello. हलो एवरीवन नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डे फोर सेवन आपके यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे और आज हम लोग डिस्कस करेंगे 19 नवंबर से 25 नवंबर की मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो के आखिरी तक बने रहिएगा 109 सवाल हैं 100 प्लस नहीं मेरे भाई 100 तो नहीं कहूँगा हंड्रेड से ज़्यादा ही है मोर देन हंड्रेड है एम का क्यू एक्सप्लेनेशन भी है मेरे भाई दोस्त और हर एक एम आपको बेहतर मिलेगा एग्जाम वॉरेंटेड मिलेगा ओके स्टार्ट करते हैं काफ़ी देर से मैं तुम लोगों की बातें देख रहा था सुन रहा था अच्छा नहीं दिख रहा है टाइमिंग देखो कब चेंज हो जाए कब ना चेंज हो जाए देखो मुझे पता भी तुम जिस फेज़ में हो ना वहाँ पर ये चीज़ नहीं समझ पाओगे हम लोगों को किस दौर से गुजरना पड़ता है 109 सवाल मैं तुम लोगों को अगर 10 10 सवाल बनाने के लिए दूँ ना तुम लोग कॉपी पेस्ट करके दे दोगे लिटरली बता रहा हूँ 10 के 10 लोग कॉपी पेस्ट या तो टेलीग्राम से उठा के या किसी वेबसाइट से उठा के और 10 सवाल बनाने के लिए दूंगा ना तुम लोग चार तो ऑप्शन गलत करोगे तरीके से सैड भी नहीं करोगे और फिर भी आके यहाँ पर बकवास करते हैं बहुत सारे लोग कि देखो कब टाइमिंग चेंज हो जाए कब क्या हो जाए किसी को मज़ा नहीं आ रहा मेरे भाई संडे को भी काम करने में ठीक है नहीं मज़ा आ रहा है बहुत बार संडे को काम करने में लेकिन फिर भी कर रहे हैं ना क्यों कर रहे हैं आपके लिए कर रहे हैं मंडे टू सैटरडे काम करने के बाद उसके बाद भी ऐसी बकवास सुनने को मिलती है ना बड़ा दिमाग ख़राब होता है ये मेरे लिए नहीं मेरे भाई हर एक फैकल्टी की रिस्पेक्ट करो ये दुनिया गोल है लौट के आता है लिटरली बता रहा हूँ लौट के आता है जिस जगह आप बकवास कर रहे हो उस जगह किसी दिन आप भी बैठे हो तब आपको रियलाइजेशन होगा आज नहीं तो कल तो जॉब करनी है करोगे ना जॉब जब पर्दे के उस तरफ हो ना मेरे भाई मतलब सीट के इस तरफ हो तब रियलाइजेशन होगा कि दस घंटे की जगह चौदह घंटे काम करना पड़ेगा काम मेरे दोस्त बेहतर करना पड़ेगा और बेहतर के लिए कहीं ना कहीं समय देना पड़ेगा एक सौ नौ सवाल है मजाक नहीं है बनाने में समय लगता है एक्सप्लेनेशन डालने में समय लगता है राधा का श्याम श्याम का राधा ना हो जाए ये देखने में समय लगता है और उसके बाद भी यहाँ पर बकवास सुनने को मिलती है बेकार लगता है यार ठीक है एंड टीचर्स की रिस्पेक्ट करो ना करो थोड़ा समझो मेरा मैंने समय बर एक बड़ा बढ़िया एक बच्चे ने बोला समय बर्बाद कर दिया अरे वाह यार बहुत बढ़िया समय बर्बाद कर दिया मतलब समय की परिभाषा क्या है बीस मिनट तुम तो लोग रिवीज़न कर सकते थे ना इसका मतलब इतने कैपेबल नहीं हो कि रिवीजन कर लो नोट्स तो बने हुए होंगे ना अगर आपको लग रहा था समय बढ़ चुका है तो उसको बढ़ा ले लेको मेरे भाई देख लेते कुछ और देख लेते कुछ और चीज़ें कर लेते थोड़ा समझने की जरूरत है मेचोरिटी लेकर आओ अभी मुझे पता बहुत सारे लोग बच्चे हैं कुछ ज़्यादा ही बड़े बच्चे हैं सच में ज़्यादा ही बड़े बच्चे हैं स्टार्ट करते हैं सेशन को पहले सवाल के साथ देखते हैं इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस डिजार्मेंट डेवलपमेंट दर अवार्डेड टू होम किसको यह अवार्ड दिया गया है इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस शांति निरस्त्रीकरण विकास के लिए इंदिरा गांधी ओके okay, तो यहाँ पर दिया गया था इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को और ट्रेन नर्सेस एसोसिएशन ऑफ इंडिया को यह अवार्ड दिया गया था ये जो अवार्ड है ये कोविड 19 जो वॉरियर है उनके रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर इन्होंने रिसीव किया था जो हामिद अंसारी हैं जो कि पूर्व राष्ट्रपति उनके द्वारा ये अवार्ड दिए गए थे इसमें दो दो व्यक्तियों के नाम जरूर याद रखिएगा कि जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है शरद कुमार अग्रवाल एक वो और दूसरा ट्रेंड नर्सेस एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रोफेसर या प्रेसिडेंट रॉय रो, रो, के जॉर्ज ओके ये दो नाम और याद रख सकते हैं इंदिरा गांधी पीस प्राइज ये इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा दिया जाता है जो भी इंटरनेशनल पीस प्रमोट करता है चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे वो व्यक्ति हो उनको ये अवार्ड दिया जाता है टू पॉइंट फाइव मिलियन इंडियन रूपी कैश अवार्ड है पहली दफा एटी सिक्स में दिया गया था पार्लियामेंट्रियन पार्लियामेंट्रियन फॉर ग्लोबल एक्शन को यह प्राइज दिया गया था ओके वर्ल्ड डे ऑफ रिमेम्बरेंस फॉर रोड ट्रैफिक विक्टिम इज ऑब्जर्व ऑन विच डे ये दिन किस दिन मनाया जाता है ही मित्रों तो, ये दिन किस दिन मनाया जाता है यहाँ आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर फिफ्थ नाइनटीन ऑफ नवंबर उन्नीस नवंबर को सड़क यातायात पीड़ितों के लिए इस विश्व स्मरण इस दिवस के रूप में मनाया जाता है अफ्रीका इंडस्ट्रियलाइजेशन डे ओके अफ्रीका औद्योगिकीकरण दिवस किस दिन, दिन मनाया जाता है बीस नवंबर को ट्वेंटी तो को ओके okay? दो अफ्रीकन इकोनॉमिक जो कॉन्फ्रेंस है उसको ज्वाइंटली ऑर्गेनाइज किसने किया है एडिस अबाबा इथोपिया के एडिस अबाबा में रही थी ये अफ्रीकन इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस और इसको तीन संस्थाओं ने यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इकोनॉमिक कमीशन फॉर अफ्रीका एंड अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक इन तीनों ने मिलकर इसको ऑर्गेनाइज किया था इस अफ्रीकन इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस का विषय था इम्पेरेटिव फॉर अ सस्टेनेबल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन अफ्रीका इंपेरेटिव फॉर अ सस्टेनेबल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन अफ्रीका ओके डन नेक्स्ट सिलियारा बारकोट टनल ये भी न्यूज में रही थी काफी लोग इसमें फंस गए थे ओके okay? सिल्कियारा सिल बारकोट सुरंग किस राज्य में स्थित है ये उत्तराखंड में है कहां पर उत्तराखंड में तो कैबिनेट कमेटी ने अब 2018 की बात है अप्रूवल दी थी सिल्कियारा यारा बैंड बारकोट टनल को बनाने की ओके okay? ये टू लेन बाई डायरेक्शनल टनल है और ये फोर किलोमीटर की फोर पॉइंट किलोमीटर ओके प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करने का काम किसका है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे का नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड के माध्यम से तो ये तो, बड़ी बन गई। एक तो ये लाइन बड़ी द मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर माइन कोल एंड रेलवे माइनिंग एंड रिसोर्स इंटरनेशनल माइनिंग एंड रिसोर्स कॉन्फ्रेंस 2023 की बात करते हैं ये ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में रही थी ओके okay? अब सवाल यहाँ पर यह है कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर माइन कोल और रेलवे का नाम क्या है ठीक है जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था मेरे दोस्त राव साहेब पाटिल दानवे ओके okay? राव साहेब पाटिल दानवे विद विच कंट्री किस देश के साथ इंडिया ने एक एग्रीमेंट किया है मेडिकल प्रोडक्ट रेगुलेशन के क्षेत्र में कोऑपरेशन को, को लेकर ठीक है या फिर मेडिकल जो प्रोडक्ट है हेल्थ केयर सर्विसेज है उसकी क्वालिटी को एनहेंस करने को लेकर तो यह समझौता भारत का नीदरलैंड के साथ रहा था नीदरलैंड की कैपिटल है करेंसी यहां पर यूरो चलती। यूरो चलती कैपिटल करेंसी असल में ये जो व्यक्ति हैं इनका नाम भगवंत ओके इन्होंने भारतीय दल का नेतृत्व किया था भगवंत खूबा भगवंत खूबा है इन्होंने भारतीय दल का नेतृत्व किया था वर्ल्ड लोकल प्रोडक्शन फोरम मीटिंग में ओके और ये नीदरलैंड के हैग में रही थी उसी दौरान समझौता रहा था तो, तो एक क्वेश्चन तो ये भी आ सकता है कि वर्ल्ड लोकल प्रोडक्शन फोरम मीटिंग कहां पर रही थी द दैग नीदरलैंड इसका एडिशन कौन सा रहा था दूसरा सा एडिशन रहा था ठीक है भगवंत खूबा इसके मतलब भगवंत खूबा साहब यहां पर गए थे भारत की तरफ से वर्ल्ड लोकल प्रोडक्शन फोरम जो है ये एक डब्ल्यू एच ओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का इनिशिएटिव है पर्पज यही है कि जो मेडिसन है उसकी एक्सेस को इंक्रीज करना है इस उद्देश्य से इसको बनाया गया या जो भी अदर टेक्नोलॉजीज हैं ओके उन सभी को भी बेहतर करना यहाँ पर उद्देश्य रखा गया है तो वर्ल्ड लोकल प्रोडक्शन फोरम एक प्लेटफॉर्म है जिसको कि WHO का वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का इनिशिएटिव है और इसकी मीटिंग रही थी द नीदरलैंड रही थी सेकंड एडिशन इंडिया नेगेशन रिप्रेजेंटेटेड बाय भगवंत खुबा ओके फर्स्ट फ्लैगशिप पब्लिकेशन ऑफ कैफरल कैफरल क्या है सर एक इंस्टीट्यूट 100% फंडेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ओके 100% फंडेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया

कैफरल क्या, क्या है सर ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है दो हजार ग्यारह में इसको बनाया गया था यही है कि बैंकिंग और फाइनेंस के क्षेत्र में रिसर्च और जो लर्निंग है उसको प्रमोट करने के उद्देश्य से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इसे इंडिपेंडेंट बॉडी के तौर पर तैयार किया गया जो ये रिपोर्ट रही थी इसका जो थीम रहा था वो था कनेक्टिंग द लास्ट माइल ओके ये रिपोर्ट रही थी इसका नाम था इंडिया फाइनेंस रिपोर्ट 2023 और इसका विषय था कनेक्टिंग द लास्ट माइल ये आपके एग्जाम में आ सकता है ये पूछ सकता है इसका थीम पूछ सकता है कनेक्टिंग द लास्ट माइल ओके और इसका पर्पस क्या रहा है इसको तैयार करने का वो ये था कि जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज है उनकी इन डेप्थ प्रोवाइड करना ओके okay? एक गहन मूल्यांकन करना यहाँ पर इसका उद्देश्य रहा है इस रिपोर्ट को तैयार करने का उद्देश्य रहा था कैफरल नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जनवरी दो में इसको सेटअप किया गया था ओके okay? इसमें यहाँ पर कैफरल में जो गवर्निंग काउंसिल है उसके चेयरमैन आरबीआई के गवर्नर है ये जरूर याद रख लेना कि कैफरल जो है इसमें जो गवर्निंग काउंसिल है उसके चेयरमैन कौन है तो ये आरबीआई के गवर्नर है ओके आरबीआई गवर्नर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर डेविड कैमरून अपॉइंटेड एज अ फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ विच कंट्री किस देश के फॉरेन सेक्रेटरी बने डेविड कैमरून ये यूके के बने ठीक है यूके के फॉरेन सेक्रेटरी तमिल राइटर पेरुमल ओके इनको जेसीबी प्राइज दिया गया लिटरेचर के क्षेत्र में ओके okay, साहित्य के क्षेत्र में और इनका जो नोवेल है इस तमिल नोवेल का इंग्लिश ट्रांसलेशन फायर वर्ड इसके लिए तमिल राइटर पेरुमल मुर्गन को जेसीबी प्राइज दिया गया अब ये जो जेसीबी प्राइज है इसमें प्राइज मनी कितनी है ठीक है प्राइज मनी तो बेटा प्राइज मनी यहां पर 25 लाख रुपए 25 लाख लैख रुपीज है तो प्राइज मनी हो गई पच्चीस लाख रुपए अलंदा पैची एक तमिल नोवेल इसी के इंग्लिश ट्रांसलेशन के लिए फायर वर्ड इस नोवेल को जेसीबी प्राइज दिया गया यानी पेरोमल को जेसीबी प्राइज दिया गया ये जो बुक ट्रांसलेट की थी जाननी जननी जननी कन द्वारा की गई थी जिसको ने पब्लिश किया था यह भी याद रख सकते हैं ठीक है डन क्लियर नेक्स्ट जेसीबी प्राइज फॉर लिटरेचर दो में बना था

करंसी यहां पर कॉर्डोवा चलती है तो जो सेवेंटी सेकेंड एडिशन रहा था मिस यूनिवर्स इस इवेंट का वो रहा था okay? अल सलवाडोर में ओके ये देश है अल सलवाडोर यहाँ पर सेवेंटी सेकंड एडिशन रहा था अल सलवाडोर की राजधानी है सल सलवाडोर

फोर्थ जीआईटेक अभी किस देश या यूनियन टेरिटरी को मिला है बताइए मित्रों ये मिला लद्दाख को ठीक है ये किसको मिला बेटा लद्दाख को लद्दाख में इससे पहले एप्रीकॉट ये देख सकते हो आप लोग तीनों मैंने यहां पर फोटो लगा रखे हैं एप्रीकॉट का लगा रखा है पश्मीना का लगा रखा है लद्दाखी वुड कार्विंग का लगा रखा है इन तीनों को पहले ही जी आई मिल चुका है

इंपॉर्टेंट है ये आपके एग्जाम में आ ही है मेरे भाई बहुत बढ़िया यहां पर आंसर है बेटा ऑप्शन नंबर वन ओके okay. एस वैंकिट वेंकट रमन ओके एस वेंकट रमन और ये इंडियन सिविल सर्वेंट थे इंडियन सिविल सर्वेंट प्लस इकोनॉमिस्ट थे एटीन गवर्नर के तौर पर इन्होंने काम किया था उन्नीस सौ नब्बे से उन्नीस सौ बानवे तक ओके okay? जब बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आए थे वो इन्हीं के कार्यकाल के दौरान रहा था ठीक है इंडिया को बीओपी क्राइसिस फेस करने पड़े थे इसके अलावा ये फाइनेंस सेक्रेटरी के तौर पे भी काम किए थे 1985 से लेकर 1989 तक ओके वित्त सचिव के तौर पे भी इन्होंने काम किया था तो वही लिखा हुआ है एस वेंकट रमन ओके एस वेंकट रमन हु मैनेज अफेयर एट सेंट्रल बैंक व्हेन कंट्री फेस टू मेजर क्राइसिस एक बीओपी क्राइसिस रहा था और दूसरा सिक्योरिटी स्कैम रहा था हर्षद मेहता वाला याद आ रहा है हर्षद मेहता वाला जो सिक्योरिटी क्राइसिस uh, रहा था तो उस दोनों में ही में दोनों के दौरान मेरे भाई इनके पीरियड के कार्यकाल के दौरान ही ये फेस करना पड़ा था ओके एटींथ गवर्नर थे उन्नीस से बानवे तक दो साल तक काम किए थे फाइनेंस सेक्रेटरी के तौर पर काम किए थे इनकी एक किताब है इंडियन इकोनॉमी रिव्यूज एंड कमेंट्रीज ओके ये नाम भी याद रख लेना ठीक है नेक्स्ट

एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन सैन फ्रांसिस्को में कॉन्फ्रेंस रही सैन फ्रांसिस्को में रही गोल्डन गेट डिक्लेरेशन के साथ एंड हुआ था ओके यूनाइटेड स्टेट ने अपेक का जो होस्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी पेरू को दे दी यानी नेक्स्ट जो अपेक समिट होगा दो हजार चौबीस वाला वो पेरू होस्ट करेगा इस साल तीसवी एनिवर्सरी रही थी फर्स्ट एवर जो लीडर्स की मीटिंग रही थी उन्नीस सौ में रही थी तो पहली मीटिंग उन्नीस सौ में रही थी ओके एक्सेलरेटिंग चेंज इज द थीम ऑफ वर्ल्ड टॉयलेट डे ओके इट वॉज ऑब्जर्व ऑन विच डे ये किस दिन मनाया गया मित्रों बताइए ये।, ये किस दिन मनाया गया ये मनाया गया था नाइनटीन ऑफ नवंबर को उन्नीस okay? नवंबर को ये मनाया गया था ठीक एक है एक्सेलरेटिंग चेंज इज द थीम ऑफ वर्ल्ड टॉयलेट डे और ये आपका 19 नवंबर को मनाया गया ऑस्ट्रेलिया हैज एडिशन ऑफ आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप इट इज ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप टाइटल मतलब ऑस्ट्रेलिया ने आईसीसी क्रिकेट विश्व कप का तेरहवा संस्करण जीत लिया ये ऑस्ट्रेलिया का किस नंबर का विश्व कप खिताब है ये छठे नंबर का इसका विश्व कप छठा विश्व कप खिताब है ओके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने पैट कमिंस को ट्रॉफी दी थी नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में प्लेयर ऑफ द मैच ट्रेविस हेड रहे थे दो हजार तेईस के क्रिकेट वर्ल्ड कप से रिलेटेड कुछ बातें कर ले तो सबसे पहला याद रखो, वाला ने होस्ट किया था वेस्ट ने ऑर्गेनाइज किया था, था, उसका टाइटल था मतलब टीम भी यही है, भारत रहा था तो कुल मिलाकर दस टीमों ने पार्टिसिपेट किया अड़तालीस मैचेस रहे थे प्लेयर ऑफ द सीरीज विराट कोहली था मोस्ट रन विराट कोहली मोस्ट विकेट मोहम्मद शामी मैस्कॉट ब्लेज और टोंक रहा था ये इंपॉर्टेंट मार्क करना है ओके okay. और नेक्स्ट जो न्यूज थी यहाँ पर वो था कि आईसीसी जो चैंपियन ट्रॉफी होगी वो पाकिस्तान होस्ट करेगा ओके आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी ओके डन आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप इंडिया ने होस्ट किया नेक्स्ट जो होगा वो साउथ अफ्रीका जिम्बाब्वे नामीबिया होस्ट करेंगे और दो का इंडिया और बांग्लादेश होस्ट करेंगे क्लियर भाइयों डन

रनाना तो मेडागास्कर में एक पोर्ट है अंतिस रनाना यहाँ पर आईनेस शारदा गया था जो फ्रेंडशिप है इसको और मजबूत करने के लिए ओके पोर्ट कॉल चलता रहता है और सवाल यहाँ पर एक वॉट इज द कैपिटल ऑफ मेडागास्कर कैपिटल इसकी अंता नीवो के अंता नाना रिवो करेंसी अरियारी मुद्रा यहाँ पर अरियारी चलती है मेडागास्कर की बात करें तो ये सागर का पार्टनर है असल में एक सागर मिशन है इसको लॉन्च किया गया था दो में सागर की फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन सिक्योरिटी फॉर ग्रोथ सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन इसका पर्पस क्या था असल में जब कोविड नाइनटीन पेंडेमिक आया था तो जो इंडियन ओशन कंट्रीज है उनको रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए ये सागर एक मिशन लॉन्च किया गया था इस इनिशिएटिव में मालदीव मॉरिशस मेडागास्कर कॉम्रोसल्स ये देश भी कवर है ओके और मेडागास्कर सागर का एक भाग है ऐसे में पोर्ट कॉल चलता रहता है

भारत में जो चिल्ड्रन डे मनाया जाता है वो चौदह नवंबर को रहता है ओके okay? और जो विश्व में चिल्ड्रन डे मनाया जाता है वो बीस नवंबर को रहता है इसकी थीम रही थी फॉर एवरी चाइल्ड एवरी राइट फॉर एवरी चाइल्ड एवरी राइट ओके पहली दफा नाइनटीन एटी फोर में इसको स्टेब्लिश किया गया था असल में बीस नवंबर ही क्यों चुना गया है उसका एक रीजन ये भी है कि नाइनटीन फिफ्टी नाइन में यूएन जनरल असेंबली ने डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ चाइल्ड अडॉप्ट किया था और 1989 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ चाइल्ड इसको किया था तो ये दो चीजें एक ही सेम डेट पर रही थी कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ द चाइल्ड और डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ द चाइल्ड क्लियर भाइयों डन ओके okay, अब आपको के सर एक बात बताइए ये तो 1954 में मनाना शुरू कर दिया था कर दिया था इन्होंने शुरू बट इसी डेट पे फिर आगे ये रीजन नहीं है कि 1959 और 1989 में अडॉप्ट किया इसके चलते यहाँ पर 1954 में मनाया जा रहा है मतलब पहली दफा मेरे दोस्त इस डेट पे मनाया जा रहा है उसका रीजन ये नहीं है उसके बाद ये दो चीजें और इस सेम डेट पर हुई थी इसको और याद रख सकते हैं ओके भूषण डोंट वरी यार शाम तक सारी पीडीएफ मिल जाएंगी आपको ठीक है okay. इस टेलीग्राम पे इसको ज्वाइन कर लेना ओके okay? और इसमें आपको पीडीएफ मिल जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंक को क्या बोला ध्यान से सुनिएगा आरबीआई ने कहा है कि जो इंडियन बैंक फॉरन बैंक का स्पेशल रूपी वॉस्ट्रो अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं अब वो एडिशनल करंट अकाउंट भी मेंटेन कर सकते हैं तो वही बात लिखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया परमिटेड बैंक्स टू ओपन एडिशनल करंट अकाउंट फॉर एक्सपोर्ट प्रोसीड्स इन एडिशन टू एस आरवी स्पेशल रूपी वॉस्ट्रो अकाउंट तो इन्होंने कहा आरबीआई ने कि भाई बैंक सुन तू तो जो भी एक्सपोर्ट का पैसा आ रहा है उसके उसके लिए तू अकाउंट अकाउंट तो, तो बना ही रख रहा है स्पेशल वॉस्ट्रो अब उसके अलावा करंट अकाउंट और बनाना तू तो शुरू कर दे ये मैं तेरे को अलाउड कर रहा हूँ सवाल ये है कि किस साल में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया था कि जो इंडिया का इंटरनेशनल ट्रेड होगा वो रुपी में सेटल किया जाएगा मतलब अब जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो भारत ने डिसाइड किया है कि वो रुपए में सेटल करेगा तो ये कब से भारत ने शुरू किया था तो जुलाई दो से जुलाई 2022 से ओके तो जुलाई 2022 में आरबीआई ने बोला कि भाई इंडिया का इंटरनेशनल ट्रेड रुपी में सेटल किया जाएगा और इसके साथ साथ उन्होंने इंडियन बैंक्स को अलाउड कर दिया कि आप ओपन और मेंटेन कर सकते हो उसके लिए स्पेशल रूपी वॉस्ट्रो अकाउंट ओके स्पेशल रूपी वॉस्ट्रो अकाउंट होता क्या है कि जो फॉरन बैंक होते हैं जब वो इंडियन बैंक में अपना अकाउंट खोलते हैं मैं पर्सन की बात नहीं कर रहा मैं बैंक की बात कर रहा हूँ यहाँ ये बैंक है और यहाँ पर ये यह भी बैंक है ओके okay? तो मैं कह रहा हूँ कि जब कोई फॉरेन बैंक भारतीय बैंक में खाता खोलता है तो इस अकाउंट को बोलते हैं हम लोग वॉस्ट्रो अकाउंट ओके okay? वॉस्ट्रो और ये जो अकाउंट होता है वो इंडियन करेंसी में ओपन होता है असल में है क्या मेरे भाई इसी प्रकार से अगर जैसे कोई इंडियन बैंक किसी फॉरन बैंक में अकाउंट ओपन करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉस्ट्रो अकाउंट ठीक है नॉस्ट्रो जब इंडियन बैंक फॉरन बैंक में फॉरन करेंसी में ओपन करता बट अपने को तो ये पढ़ना नहीं है अपने को तो ये पढ़ के चलना है, ओके? और ये इटालियन वर्ड है दिया है अप्रूव किसके लिए किया है कि कर्ज में डूबी हुई रिलायंस कैपिटल को वो बेच रहा है अब उसको खरीद कौन रहा है 9650 करोड़ रुपए में ये सवाल है 9650 करोड़ रुपए में रिलायंस कैपिटल को कौन खरीद रहा है मित्रों फटाफट बताइए रिलायंस कैपिटल को कौन खरीद रहा है नौ हजार छह सौ पचास करोड़ रुपए में बहुत बढ़िया आंसर बनने का बेटा ऑप्शन नंबर वन आई आई एच एल आई आई एच एल इसको समझते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिलायंस कैपिटल का ओके इंडसइंड इंटरनेशनल होल्डिंग लिमिटेड इंटरनेशनल होल्डिंग लिमिटेड आईआईएचएल है हाईएस्ट बिडर रहा था सबसे ज्यादा बोली इसने लगाई थी 9650 करोड़ रुपए की और आरबीआई ने इसको बोल दिया कि बेटा रिलायंस कैपिटल को तू खरीद लेगा और इसके साथ ही यहाँ पर जो रिलायंस कैपिटल थर्ड लार्ज एनबीएफसी है अगेंस्ट विच आरबीआई स्टार्ट बैंक्रप्सी प्रोसीडिंग मतलब ये रिजोल्यूशन प्लान लेकर आने वाला बैंक लागू करने वाला रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को किया गया Code, okay? इसके दो है, भी है और एक देवान हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन भी इनके अगेंस्ट में पहले से ही बैंक्रप्सी प्रोसीडिंग जो इनिशिएट हो चुका है ओके okay? अब ये तीसरा यहाँ पर रिलायंस कैपिटल बन चुका है लार्ज एनबीएफसी में क्लियर भाई डन डन बैंक हेज लॉन्च स्वर्णिम योजना ओके किस बैंक ने भी एग्रीकल्चरल गोल्ड लोन स्कीम लॉन्च करी इसका नाम है स्वर्णिम योजना बताई मित्रों स्वर्णिम योजना किसके द्वारा लॉन्च की गई स्वर्णिम योजना किसके द्वारा लॉन्च की गई है बहुत बढ़िया ये आंसर बनेगा बेटा ऑप्शन नंबर फोर्थ पंजाब नेशनल बैंक ओके पाब्लो पिकासो की 1932 की एक पेंटिंग है है इसका इसका नाम है विद विद वॉच वॉच अ ओके नाम है फीमेल की पेंटिंग या फिर विद अ वॉच इंग्लिश में इसका नेम हो गया अब इसको अभी हाल फिलहाल बेच दिया गया न्यूयॉर्क में ऑक्शन रहा था उसमें बेच दिया गया कितने में ये बिकी है कितने में ये पेंटिंग बिकी है मेरे भाई फटाफट बताइए कितने में ये पेंटिंग बिकी है ये पेंटिंग कितने में बिकी है बहुत बढ़िया मेरे दोस्त आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 5th 139 मिलियन यूएस डॉलर ओके 139 मिलियन यूएस डॉलर तो पाब्लो पिकासो की 1932 की पेंटिंग है वीमेन विद अ वॉच ये 139 मिलियन यूएस डॉलर में विकी है अब ये जो पेंटिंग है ये सेकंड मोस्ट एक्सपेंसिव पिकासो पेंटिंग रही थी इससे पहले लेस फेम्स द एल्गर रही थी ये जरूर याद रखना लेस फेम्स डी एल्गर ये

वो द फेदर वेट रही थी दर वेट ओके okay? सवाल बहुत सिंपल सा है मेरे भाई कि इट इज डायरेक्टेड बाय बाई हो डायरेक्टर का नाम क्या है इसके डायरेक्टर का नाम है रॉबर्ट रॉबर्ट कोलोडनी 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 ओके तो जो ओपनिंग फिल्म रही थी इसका नाम क्या है ये श्याम प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में ओपनिंग सेरेमनी रही थी बम्बो लिम में ओके okay? और ब्रिटिश फिल्म कैचिंग डस्ट ये ओपनिंग मूवी रही थी द फेदर वेट यूएस की एक क्लोजिंग मूवी रही थी दो So, 270 मूवीज़, 270 मूवी जो यहां पर दिखाई जाएंगी प्रदर्शित की जाएंगी सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये माइकल डगलस साहब को दिया जा रहा है इस साल से हुआ क्या ओटी टी अवार्ड भी शुरू किए गए हैं ओटी जो सीरीज और जो फिल्म है ओके मतलब सिंपल शब्दों में ओटी अवार्ड भी इस साल से शुरू कर दिए गए हैं ओके मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने निम्न निम्न में में से से किस किस संस्था संस्था के के साथ साथ ट्रेडिशनल और समझौता किया है मतलब जो पारंपरिक चिकित्सा परियोजना है okay, पारंपरिक उसके क्षेत्र में काम करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने किसके साथ समझौता किया बताइए मित्रों किसके साथ समझौता किया है यहाँ पर आंसर है डब्ल्यू एच ओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन विश्व स्वास्थ्य संगठन इसका भी एक उद्देश्य है मतलब इनका ये कहना है कि ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल स्ट्रेटजी 2025 से 2034 हम लेकर आएंगे डब्ल्यू एच ओ के द्वारा इसको प्रिपेयर किया जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के साथ मिलकर ओके अगर हमें ये मतलब ट्रेडिशनल मेडिसिन के क्षेत्र में काम करना है तो उसके लिए जरूरी है कि ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल स्ट्रेटजी एक आए और उसका टेन्योर या इसका पीरियड जरूर याद रखना दो हजार पच्चीस से लेकर दो हजार चौतीस ओके डन क्लियर है नेक्स्ट पे ग्लोकल को आरबीआई की अप्रूवल मिल गई पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस मिल गया आरबीआई वाज स्टैब्लिश इन विच ईयर आरबीआई की स्थापना एक अप्रैल 1935 को हुई थी पे ग्लोकल नया पेमेंट एग्रीगेटर है ओके न्यू पेमेंट एग्रीगेटर है जैवियर मिली ये अर्जेंटीना के राष्ट्रपति चुनाव को जीत चुके हैं ही रिप्लेस्ड हूम इन्होंने किसकी जगह ली है इन्होंने जगह ली है मेरे भाई अल्बर्टो फर्नाडिस की ओके अल्बर्टो फर्नांड की जगह पे फर्नांडिस की जगह पे जेवियर मिली को अर्जेंटीना का राष्ट्रपति चुना गया है ओके अर्जेंटीना की कैपिटल है ब्यूनोजायर्स करेंसी यहां पर पीसो चलती है

एस जानकी रमन ये नाम याद रखना इनको मेरे दोस्त एमडी बने रहेंगे स्वामीनाथन जानकी रमन की जगह पे इनको बनाया गया स्वामीनाथन जानकी रमन डेप्यूटी गवर्नर बन गए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ये पॉइंट भी याद रखना डेप्यूटी गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्वामीनाथन जानकी रमन क्लियर है भाइयों नेक्स्ट एसबीआई 1955 में बना था दिनेश कुमार खरा चेयरमैन है मुंबई महाराष्ट्र का हेडक्वार्टर है इंशर इंसल्टेकनी ने किसको अपना ब्रांड नंबर बनाया मित्रों बताइए क्लियर है भाई इतना एक् के कौन बने सर इसके बने ब्रांड नंबर आर माधवन ओके आर माधवन एको जनरल इंश्योरेंस जो 16 में बनाता था हेड मुंबई महाराष्ट्र है ओके हु हैज ऑनर्ड विद स्पेशल रिकॉग्निशन फॉर कंट्रीब्यूशन टू भारतीय सिनेमा अवार्ड एट 54th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया मतलब जो 54th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया रहा है ओके okay? उसमें भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए विशेष मान्यता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है

ठीक है जिससे कि पी में भी वो सारे करेक्शन लग के आए ठीक है बट अगर आपको लगता है मेरी नज़र में अगर होगा तो वो मैं लिख लेता हूँ जैसे एक आज जगह क्वेश्चन मार्क नहीं लिखा हुआ था तो वो सब मैं लिख लेता हूँ बट अगर आपको लगता है कोई क्वेश्चन का आंसर मैंने गलत टिक कर दिया है ठीक है तो वो आप मेरे को बता सकते हैं पीडीएफ में करेक्ट करके दे दूंगा वैसे तो गुंजाइश बहुत कम है बट फिर भी मेरे भाई जी किशन रेड्डी ओके okay? जी किशन रेड्डी किस शहर में यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया इसने एनुअल यूएन एन फॉरम दो ऑर्गेनाइज किया था

ऑफ रेड क्रॉस के साथ मिलके और सेंटर फॉर यूएन कीपिंग किसके साथ मिलके इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया गया था इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस और सेंटर फॉर यूएन पीस कीपिंग एंड ऑपरेशन के साथ मिलकर इसको ऑर्गेनाइज किया गया था ओके डन गोल्डमैन सैच ने इंडिया की जो इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो फोरकास्ट करी है इनका कहना है कि तेईस में इतनी रहेगी चौबीस में इतनी रहेगी तो चौबीस में जो रहेगी वो सिक्स थ्री परसेंट रहेगी तेईस में जो रहेगी वो सिक्स फोर परसेंट रहेगी ये गोल्डमैन का कहना है ओके गोल्डमैन विद किस बैंक के साथ अभी एच डी एफ सी लाइफ ने एक समझौता किया है इंश्योरेंस प्रोडक्ट को अपने कस्टमर्स को बेचने के लिए तो ये किया था इन्होंने कर्नाटक बैंक के साथ ओके okay? कर्नाटक बैंक के साथ रहा था एच डी एफ सी लाइफ का बैंक का इंश्योरेंस एग्रीमेंट फाइन विच बैंक एंटर्ड अ कॉरपोरेट टाइप विद यूनिफी कैपिटल अभी किस बैंक ने यूनिफी कैपिटल के साथ एक समझौता किया है जिसके तहत उसके सेवी की अप्रूवल मिल गई है म्यूचुअल फंड बिजनेस को शुरू करने के लिए हाँ हाँ गलती हुई है ये गलत है यहां तक ठीक है सिर्फ यहां यूनिफी कैपिटल को अभी सेबी की अप्रूवल मिल गई है म्यूचुअल फंड बिजनेस को शुरू करने के लिए मेरे भाई म्यूचुअल फंड बिजनेस को शुरू करने के लिए सेबी की स्थापना किस वर्ष में हुई थी सर 1988 में 1992 में स्टैचुरी बॉडी बना था मुंबई महाराष्ट्र इसका माधवी हेडक्वारी बुच इसकी चेयरपर्सन है माधवी पुरी बुच ओके एक्सेसिबिलिटी इज द थीम ऑफ वर्ल्ड टेलीविजन डे इट वॉज ऑब्जर्व ऑन विच डे विश्व टेलीविजन दिवस का विषय एक्सेसिबिलिटी है यह किस दिन मनाया गया यह दिन किस दिन मनाया गया मित्रों तो यह दिन मनाया गया था 21st ऑफ okay? नवंबर को ओके 21 नवंबर को सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने अभी सेवेंथ टाइटल जीता है एटीपी फाइनल जीतकर ओके और यहां पर इन्होंने जेनेक सिनर को हराया था इटली के ट्यूरिन में ये एटीपी फाइनल रहा था सवाल बहुत सिंपल सा जेनेक जेनेक सिनर जेनेक सिनर इज फ्रॉम विच कंट्री जेनेक सिनर किस देश से हैं जेनेक सिनर इज फ्रॉम व्हिच कंट्री मेरे भाई

चरेवेती ये किताब का नाम है एन अकेडमिक ग्लोबल जर्नी इट इज ऑथर्ड बाय हूम इट इज ऑथर्ड बाई प्रवण प्रवर, प्रण, प्रणव प्रणव बर्दन ओके okay? इसको हार्पर कॉलिंस के द्वारा पब्लिश किया गया था हार्पर कॉलिंस ओके सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन चीफ प्रशून जोशी दो पलकों की छाव में इन्होंने एक किताब रिलीज की थी इस बुक के ऑथर का नाम क्या है हेमा जोशी ओके हेमा जोशी

स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स की जिनको की मेरे दोस्त पर ट्रायल पे ले जाया जा रहा था तब मर गए थे इस दिन को हर साल अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस के रूप में मनाया जाता है उन नौ छात्र प्रदर्शनकारियों की मौत की सालगिरह मनाई जा सके जिन्हें 17 नवंबर उन्नीस को नाजियों द्वारा प्राग में बिना किसी मुकदमे के मार डाला गया था बात समझ में आ गई नाजियों के द्वारा बिना किसी मुकदमे के इनको उन्नीस में सत्रह नवम्बर को मार दिया गया था इस वजह से इस दिन को हम लोग इंटरनेशनल स्टूडेंट डे के रूप में मनाते हैं डायरेक्टरेट डायरेक्टोरेट अवार्ड से फिफ्टी फर्स्ट इंटरनेशनल एमी अवार्ड में किनको सम्मानित किया गया फिफ्टी फर्स्ट इंटरनेशनल एमी अवार्ड रहे थे न्यूयॉर्क में रहे थे डायरेक्टोट अवार्ड से एकता कपूर को सम्मानित किया गया ओके एकता कपूर को यह पहली इंडियन फिल्म मेकर है जिनको कि एक अवार्ड दिया गया है इसके अलावा वीरदास हैं इनको भी इंटरनेशनल एमी अवार्ड दिया गया था इनकी नेटफ्लिक्स स्पेशल वीरदास लैंडिंग के लिए बेस्ट कॉमेडी कैटेगरी में इन्होंने ये जो प्राइज है ये शेयर किया इनमें से किसी एक के साथ और वो है डेरी गर्ल्स सीजन थ्री ओके डेरी गर्ल्स सीजन थ्री के साथ ये प्राइज इन्होंने शेयर किया था एक्टर कॉमेडियन राइस डॉर्बी ओके इनके द्वारा इस अवार्ड सेरेमनी को होस्ट किया गया था राइस डॉर्बी

Which Indian state figure on the global list of case study of UN WTO for its Tadoba Andhari Tiger is a project? तो ये जो Tadoba Andhari Tiger is a project है इसके लिए किस state को किस state को मेरे भाई global list of case study में शामिल किया गया या किस state के Tadoba Andhari Tiger is a project को WTO की global list of case study में शामिल किया गया तो ये महाराष्ट्र है कौन है बेटा महाराष्ट्र है United नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन 1975 में बना था स्पेन के मैड्रिड में इसका हेडक्वार्टर है सेक्रेटरी जनरल का नाम है जुराब पोलोली काशविली पोलोली काशविली छठे नंबर के मेरे भाई जॉर्जिया से आते हैं जॉर्जिया की कैपिटल है टीबिलिसी करेंसी यहां पर लारी चलती है लारी यहां पर मुद्रा चलती है क्लियर है भाइयों <laughs>

कंटेंट एक नंबर में आपको दे रहा हूँ बढ़िया कंटेंट दे रहा हूँ इसका पीडीएफ भी आपको मिलेगा प्रिंटेबल पीडीएफ मिलेगा प्रिंट करा लीजिएगा hmm. यहाँ पर आंसर बनेगा बेटा ऑप्शन नंबर फोर वज्र प्रहार क्या नाम है वज्र प्रहार ये क्लियर रहेगा वज्र प्रहार इंडियन आर्मी के जो कंटिंजेंट है उसको किसने लीड किया था तो ये ईस्टर्न कमांड है ओके okay? उसके स्पेशल फोर्स पर्सनल के द्वारा लीड किया गया था जो फर्स्ट एडिशन रहा था इस एक्सरसाइज का वो 2010 में रहा था और अब जो एडिशन रहा है वो 14th एडिशन 14वां संस्करण रहा था 14th एडिशन रहा था ठीक है नेक्स्ट घोल को अभी किस स्टेट का स्टेट फिश डिक्लेयर किया गया ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस के दौरान तो ये गुजरात का है जी फॉर गुजरात जी फॉर घोल स्टेट फिश ओके ये एक एक्सपेंसिव है मतलब काफी महंगी है फिश घोल फिश जिसका नाम है अभी स्टेट फिश बन गई है गुजरात की फर्स्ट ग्लोबल फिशरी कॉन्फ्रेंस रही थी अहमदाबाद में उस दौरान ये डिक्लेरेशन किया गया था इसको विश्व में ब्लैक स्पॉटेड क्रॉकर फिश के नाम से भी जानते हैं किस नाम से ब्लैक स्पॉटेड क्रॉकर फिश ये नाम भी याद रखना

तोते की तरह आंसर आ रहे होंगे तुम सभी के बताओ गलत बोल रहा हूँ तो well 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 okay. so nice. दस नंबर कहां खा गया बेटा पचास में से चालीस ये कैसे गड़बड़ कर रहा है बदलाइ बैग चालीस कहां बदला कहाँ चला गया बेटा तेरा तो यार दस का चला गया भाग्यश्री नाइस फोर्टी नाइन सर क्लास की टाइमिंग क्या बेटा संडे को टाइमिंग बारह बजे रखेंगे हम दोपहर में वैसे सुबह सात बजे क्लास होती है डेली सुबह सात बजे हमारी करंट अफेयर की क्लास चलती है ओके याद नहीं रहते सर हाँ बेटा कोई दिक्कत नहीं है ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं एसएस बद्रीनाथ ये ऑप्थेमोलॉजिस्ट है यानी नेत्र रोग विशेषज्ञ इनका निधन हो गया शंकर नेत्रालय के ये फाउंडर हैं

यहां पर आंसर बनेगा बेटा उड़ीसा उके? उड़ीसा ओके के में आईसीआर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंस्टीट्यूटर्च आई आई एस ये पूरा एक नाम याद रखो आईसीएआर आईआईएसआर आई खोजी खोड़े इसने अभी एक हाई हाईडिंग वेराइटी ब्लैक पेपर की बनाई है यानी कि काली मिर्च की अधिक उपज देने वाली किस्म विकसित करी है इसका नाम क्या है चंद्रा ओके चंद्रा इस किस्म का नाम है

स्ट्रीट अक्रॉस द वर्ल्ड रिपोर्ट दिल्ली का खान मार्केट विश्व का किस नंबर का सबसे महंगा रिटेल लोकेशन है सबसे महंगा नंबर पे इस रैंकिंग में बाईसवे नंबर पे तो रियल एस्टेट कंसल्टेंट ने ये रिपोर्ट जारी करी है ओके यहाँ पर जो भी प्राइम रेंटल लोकेशन है प्राइम रिटेल रेंटल रेट्स है उनको यहाँ पर एग्जामिन किया गया है खान मार्केट बाईसवें नंबर पर रहा है मोस्ट एक्सपेंसिव में 217 पर स्क्वायर फीट यहां पर एनुअल रेंट है एक लास्ट ईयर इसकी रैंकिंग ट्वेंटी रही थी इक्कीसवें नंबर पे था न्यूयॉर्क का जो फिफ्थ एवेन्यू वो टॉप पर रहा है वर्ल्ड का मोस्ट एक्सपेंसिव रिटेल डेस्टिनेशन है ओके इसके अलावा मिलन मिलन का विया मोंटे नापो लियोन ओके ये दूसरे नंबर पे रहा है जबकि हांगकॉन्ग का सिम सा सुई ओके सिम सा सुई ये तीसरे नंबर पे पहुंच गया है तो टॉप तो थ्री तो 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 आपको पता होनी चाहिए मेरे भाई ओके okay, और अपना खान मार्केट पता होना चाहिए कि यह बाईसवें खान मार्केट न्यू बॉन्ड स्ट्रीट जो लंदन है ओके okay, ये चौथे नंबर पे रहा है और पांचवे नंबर पे एवेन्यू एवेन्यू डे चैम्प एलिपसी देखो एलिप्स। तो एक दो बार पढ़ेंगे तब याद होगा ये ये पांचवे नंबर पे रहा था तो रेंटल लोकेशन में नाम थोड़े अच्छे है, यहां अच्छे हैं यहाँ पर कुछ ज्यादा ही अच्छे हैं ओके और ये नाम आप टॉप फाइव याद रखिए टॉप फाइव पे कौन है प्लस उसके साथ साथ भारत का ये जो है दिल्ली उसमें भी दिल्ली ये मार्के, खान मार्केट ये याद रख लो मेरे भाई ये कि, कि, किस नंबर पे है ओके याद रहेगा क्लियर भाइयों ऑल ओके? चलो आगे बढ़ते हैं वर्चुअल जी ट्वेंटी समिट विल बी हेल्ड अंडर इंडियाज चेयरमैनशिप असल में है क्या कि इंडिया ने अभी एटीन एडिशन होस्ट किया था जी ट्वेंटी का ओके ये आपका सितंबर महीने में रहा था नई दिल्ली में रहा था भारत मंडपम में रहा था कहां पर भारत मंडपम में ओके okay. उस दौरान हमने ये भी अनाउंस किया था कि हमारी जो अध्यक्षता है वो खत्म होने से पहले हम वर्चुअली भी एक बार जी ट्वेंटी जी ट्वेंटी ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में रहेगा जी ट्वेंटी ट्रॉयका में बात करें तो कौन कौन से देश आ रहे हैं तो देखो इंडिया आ रहा है इंडिया के तीन देश आते हैं ना जो होस्ट कर चुका है जो होस्ट करेगा और जो उसके बाद होस्ट करेगा तो इंडिया के बाद नेक्स्ट नंबर किसका ब्राजील का है ब्राज़ील का और नेक्स्ट नंबर यहाँ पर साउथ अफ्रीका का है तो नेक्स्ट दो हजार चौबीस वाला ब्राजील होस्ट करेगा दो हजार पच्चीस साउथ अफ्रीका होस्ट करेगा इसको याद रखेंगे आप लोग ओके साउथ अफ्रीका ये जो बात बताई है जी ट्वेंटी शेरपा अमिताभ कांत ने बताई थी तो ये भी याद रखना है जी ट्वेंटी शेरपा कौन है अमिताभ कांत ओके okay?

नरेंद्र मोदी ब्रिक्स प्लस मीटिंग जो जो रही थी ईस्ट सिचुएशन पे गाजा में जो है उसको कर दिया, उसको अटेंड नहीं किया। भारत की तरफ से, okay? से किसने अटेंड किया था भारत की तरफ से किसने अटेंड किया था यहाँ पर एस जयशंकर साहब ने okay? जो अपने विदेश मंत्री हैं डन जो ब्रिक्स प्लस है इसका फोकस रहा था इसराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट को लेकर ओके okay, और इसी को लेकर यहां पर ये यह मीटिंग रही थी जो कि एस जयशंकर साहब ने भारत की तरफ से अटेंड की थी ये पहला ब्रिक्स मीटिंग रहा है अगस्त के बाद से ओके okay, ग्रुप के एक्सपेंशन के बाद से असल में इस ग्रुप में अनाउंस किया गया है कि जनवरी 2024 से ये देश और जुड़ जाएंगे सऊदी अरब अर्जेंटीना इजिप्ट इथोपिया ईरान और यूए वैसे अर्जेंटीना मना कर रहा है बट देखते हैं मेरे भाई कितने दिन मना करता है फाइनली क्या होगा वो देखेंगे हम लोग बट हाँ लेकिन अनाउंसमेंट हुआ था तब ये हुआ था कि जनवरी चौबीस से ये एक दो तीन चार पाँच और जुड़ जाएंगे और ये छह और पांच मेरे भाई ग्यारह हो जाएंगे ओके डन

एक सौ बीस देशों ने इस रिजोल्यूशन को सपोर्ट किया था कि मानवीय संघर्ष विराम लेकर काम मतलब विराम होना चाहिए अभी तो मेरे भाई संघर्ष विराम चली रहा है चार दिन के लिए युद्ध बिल्कुल रुका हुआ है दोनों देशों के बीच में मतलब दोनों देशों के बीच में क्या मेरे भाई अः इसराइल के बीच में और ये जो हमास टेररिस्ट हैं इनकी बात करें तो इनके बीच में ओके okay? 14 जो वोट थे वो अगेंस्ट में गए थे इसके जबकि 45 अनुपस्थित रहे थे ये एडिशनल है इसको रीड कर लेना वैसे अपने लिए इतना ही इंपॉर्टेंट बनेगा ओके okay? अच्छा आपको पता ब्रिक्स समिट जो नेक्स्ट होने वाला है दो हजार चौबीस का ब्रिक्स समिट इसे कौन अटेंड कर रहा है दो हजार चौबीस का ब्रिक्स समिट दो हजार तेईस का ब्रिक्स समिट किसने अटेंड किया

मित्रों अभी एक रूल आया स्टॉप क्लॉक स्टॉप क्लॉक इसको लेकर एक आईसीसी ने नया रूल लेकर आया है यह अभी मेंस ओडीआई और टी ट्वेंटी में आया है जो पेस है खेल का उसको बेहतर बनाए रखने के लिए अब होगा क्या साठ सेकंड के भीतर दूसरा ओवर शुरू करना होगा ऐसा नहीं करते हो तो पांच रन दूसरी टीम के अगेंस्ट में चले जाएंगे बट ये एक बार में नहीं है ऐसा अगर तीसरी दफा आप कर देते हो इनिंग में एक ही पारी में अगर ऐसा तीन बार तीसरी दफा देखने को मिलता है तब जाके मेरे दोस्त पांच रन दूसरी टीम को जाएंगे तो पेनल्टी ऑफ फाइव रन विल बी इम्पोज ऑन बॉलिंग साइड इफ दे फेल थ्री टाइम्स इन अ इनिंग टू स्टार्ट न्यू ओवर विद इन अ मिनट ओके ट्रायल बेसिस पे ये चल रहा है अभी दिसंबर से अप्रैल 2024 तक पहला जो इसमें मतलब फर्स्ट जो इंस्टेंस जहां पर ये देखने को मिलेगा इसका इस्तेमाल किया जाएगा वो ओडीआई सीरीज है तीन मैच की वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड के बीच में उसमें ये देखने को मिलेगा ओके डन यहां पर ऑल आर ट्रू ऑल आर ट्रू हिंदी में भी दे रखा मैंने यहां पर सभी सत्य हैं सभी इस सत्य हैं क्लियर है भाइयों डन आईसीसी ने अभी मेरे दोस्त ट्रांसजेंडर हैं उनको इंटरनेशनल वीमेन क्रिकेट से प्रतिबंधित कर दिया है पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेटर का नाम क्या है वो जो अब एलिजिबल नहीं है इस डिसीजन के बाद इनका नाम है डेनियल मैकगेही ओके डेनियल मैकगेही नेक्स्ट पंकज अडवाणी ने मतलब आईबीएस वर्ल्ड प्लेड चैंपियनशिप जीती थी दोहा में, कतर के दोहा में, अपने हमवतन सौरभ कोठारी को हराकर सौरभ कोटारी को हराकर पंकज अडवाणी ने दोहा में कतर के दोहा में आयोजित आईबीएस वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती सवाल है इनकी किस नंबर की चैंपियनशिप रही थी छब्बीसवे नंबर की ट्वेंटी okay? अडवाणी का ये फर्स्ट वर्ल्ड टाइटल जो रहा था वो 2003 में आया था अडवाणी का जो पहला वर्ल्ड टाइटल था वो 2003 में आया था एक लौते प्लेयर विश्व में जिन्होंने वर्ल्ड टाइटल सभी फॉर्मेट में जीते हैं चाहे वो विलियड हो चाहे वो स्नूकर हो ओके हुईड एज ए इंटरनेशनल अम्बेसडर फॉर टाटा स्टील कोलकाउजेंड के ओके तो ये एक रेस इंटरनेशनल एम्बेसडर इसके लिए किनको अपॉइंट किया गया है

चौबीस का जो आईसीसी अंडर नाइनटीन क्रिकेट वर्ल्ड कप है वो श्रीलंका से शिफ्ट होकर साउथ अफ्रीका चला गया है श्रीलंकन क्रिकेट को सस्पेंड किया था आईसीसी ने उसके चलते ये कौन सा संस्करण है ये कौन सा एडिशन है मेरे भाई बताइए इसका एडिशन कौन सा है इसका एडिशन कौन सा है मेरे दोस्त इसका संस्करण कौन सा है ये इंपॉर्टेंट है फिफ्टी एडिशन है ओके okay, पंद्रहवा संस्करण है नेक्स्ट ईयर हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ ब्रांड ऑफ बंगाल बंगाल के ब्रांड एम्बेडर कौन बने हैं बंगाल के ब्रांड एम्बेडर कौन बने हैं आप में से जो भी बच्चे 2024 एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं या फिर एस बी आई क्लर्क मीनस को टारगेट कर रहे हैं ओके okay? उनके लिए हमारा फाउंडेशन बैच शुरू हो चुका है फॉर फाइनेंशियल अवेयरनेस फॉर बैंकिंग अवेयरनेस इस बैच का नाम है सारथी ओके सारथी एंड दिस इज अ पार्ट ऑफ वॉरियर प्रो बैच ये वॉरियर प्रो का पार्ट है आप अलग से भी ले सकते हैं वॉरियर प्रो बैच भी ले सकते हैं आप जाइए इस क्लास को करिए 1496 का आपको ये बैच पड़ेगा आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं इसके लिए वाई वन सिक्स एट यहाँ पर ट्वेल्व मंथ वैलिडिटी मिलती है और इसमें हमारी इंडियन बैंकिंग सिस्टम की रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की क्लासेस नाबार्ड एंड प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग की तीसरी क्लास मेरे भाई शुरू हो चुकी है नेक्स्ट क्लास कल मंडे को होगी विद एमसीक्यू होगी तो इसको स्किप मत करना कल जरूर जुड़ना मेरे साथ जिनको भी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना है सार्थ सिर्फ फाइनेंशियल अवेयरनेस पढ़ना है सार्थी बैच ले लो जो चाहते हैं कि नहीं हमें फाइनेंशियल अवेयरनेस अवेरनेस मंथली करंट अफेयर्स भी कवर करने तो आप वॉरियर प्रो बैच ले सकते हैं कंप्लीट वॉरियर प्रो बैच ओके यह आंसर बनेगा बेटा सौरभ गांगुली सौरभ गांगुली को ब्रांड एम्बेडर बनाया गया बंगाल का इससे पहले ये जो पोजीशन थी वो शाहरुख खान के नाम थी दो से अब यहाँ पर गांगुली जी को बना दिया गया

उपाध्यक्ष के तौर पर भारत के सी को अपॉइंट किया गया इसका नाम क्या है इसका नाम है बेटा इनका नाम है चंद्र चंद्र असल में कौन सी बेटा थर्ड मीटिंग होती है उस दौरान ये डिसीजन लिया जाता है बात समझ में आ गई पैनल ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर में बारह सुप्रीम जो ऑडिट इंस्टीट्यूशन है जैसे भारत का कैग ओके उनके यहाँ पर अध्यक्ष होते हैं और जो कि यहां पर यूएन सेक्रेटरीट में जो फंड है मेरे भाई या प्रोग्राम है उनके एक्सटर्नल ऑडिट का काम करते किसका बेटा एक्सटर्नल ऑडिट का क्लियर है डन समझ में आ गया सैम ऑल्टन ओपन ए आई गए ओपन एआई की स्थापना किस वर्ष में हुई थी ओपन एआई की स्थापना किस वर्ष में हुई थी पता है मित्रों ओपन एआई की स्थापना ओपन एआई की स्थापना हुई थी सर 2015 में 2000 पंद्रह में नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है मेरे भाई पता ही दोस्तों निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है आंसर बनेगा बेटा ऑप्शन नंबर ऑल ऑल आर आर ट्रू ट्रू ओके असल में वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई थी इसमें बताया गया कि ठीक है एक वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई थी इसमें बताया गया कि जो फ्यूल नहीं है फ्यूल कौन सा फ्यूल अरे सर फ्यूल नॉर्मल फ्यूल वाटर ट्रांसपोर्ट में कम यूज होता है एस कंपेयर टू रोड ट्रांसपोर्ट एंड रेल ओके तो कहते कि रेल एंड रोड में ध्यान सुनिएगा रेल एंड रोड ट्रांसपोर्ट कंज्यूम 18.5 मोर फ्यूल देन वाटर ट्रांसपोर्ट पहली दफा अब हुआ क्या है यहां पर ये रिपोर्ट आई तो यहां पर इस रिपोर्ट का रीजन देखिए आने का है क्या मतलब इस रिपोर्ट को क्यों, क्यों मैं आपके साथ पढ़ रहा हूं असल में एमेजोन ने अभी इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ एक समझौता किया था कार्गो मूवमेंट जो माल ढुलाई होती है उसको एक्सप्लोर करने के लिए ओके और यहां पर यह कह रहे हैं कि अब हम सामान पानी के माध्यम से पहुंचाएंगे पायलट प्रोग्राम है पटना और कोलकाता से शुरू होगा। पर इस लाइन का मतलब है। बात समझ में आ गई? गई क्लियर हो भाई? ये अगला सवाल डेनियल मैक गेही वर्ल्ड की पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेटर अनाउंस रिटायरमेंट आफ्टर आईसीसी रूलिंग कंट्री इनका जन्म किस देश में हुआ था इनका जन्म किस देश में हुआ था पता है मित्रों बहुत बढ़िया आंसर बनेगा ऑस्ट्रेलिया ये क्रिकेट जो खेली थी वो कनाडा के लिए खेली थी बट इनका जन्म जो हुआ था वो ऑस्ट्रेलिया में हुआ था मेरा सवाल ध्यान रखना ठीक है प्ले फॉर कैनेडा विच स्टेट ऑफ लिक यूनियन टेरेटरी विल होस्ट इनगर खेलो इंडिया पैरा गेम्स पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स की मेजबानी कौन सा देश करेगा पहले खेलो इंडिया गेम्स की मेजबानी कौन सा देश करेगा बताइए पैरा गेम्स की मेजबानी मेरे भाई आंसर यहां पर बनेगा ऑप्शन नंबर टू दिल्ली ओके okay? दिल्ली जो डेब्यू एडिशन है इसमें तेरह से ज्यादा पैरा एथलीट होंगे जो पार्टिसिपेट करेंगे और बत्तीस स्टेट और यूनियन टेरिटरी के सात खेलों में ये पार्टिसिपेट करेंगे कितने खेलों में मेरे भाई सात खेलों में नेक्स्ट इंडियन आर्म्ड फोर्सेस कंटिजेंट है अभी इसने एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज रही थी औस्त्र हिंद इसमें पार्टिसिपेट किया था ओके okay. और ये ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में रही थी कहां पर रही थी ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में सवाल ये है कि इसका एडिशन कौन सा है इसका संस्करण कौन सा है एडिशन कौन सा मेरे भाई तो भाई अपना आंसर क्या बनेगा यहाँ पर सेकंड एडिशन है दूसरा संस्करण है ओके दूसरा संस्करण सेकंड एडिशन है है तो इंडियन आर्मी जो है, इसमें साठ से ज्यादा पर्सनल रहे थे और ये गोरखा राइफल के रहे थे इंडियन एयरफोर्स ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था इंडियन नेवी ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था ओके औस जो है दो हजार बाईस में शुरू की गई थी पहला एडिशन जो रहा था वो राजस्थान के महाजन में रहा था ये जो संस्करण है ये दूसरा रहा है ओके दूसरा एडिशन रहा है आईएनएस सुमेधा अभी मुजम्बिक गया था कोऑपरेशन के लिए व्हाट इज कैपिटल ऑफ मोजाम्बिक मोजाम्बिक की कैपिटल मपुटो मपूतो करेंसी मैटिकल चलती है मैटिकल यहां पर मुद्रा चलती है okay, मेरे भाई? 100 कौन सा बैंक है कौन सा बैंक अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम से सौ मिलियन डॉलर की ऋण पूंजी जुटाएगा तो यहां पर ये यह जो बैंक जुटाएगा इसका नाम है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ओके एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ंग गोंग वन सैटेलाइट इन टू ऑर्बिट थ्रू न्यू टाइप ऑफ चोलेमा वन स्पेस रॉकेट असल में ये एक स्पाइस सेटेलाइट है या मिलिट्री सैटेलाइट है ओके या तो स्पाइसाइट बोलो या तो मिलिटरी सेटेलाइट बोलो किस देश की ये मेरा सवाल है और ये जो स्पेस रॉकेट है इसका नाम याद रखना चोलेमा वन ओके और जो सेटेलाइट है उसका नाम है मेले गिय नाम थोड़ा अजीब है मेरे भाई ठीक है मल्ली गियग हिंदी में तो लिखा हुआ मल्ली ग्योंग मल्ली ग्योंग नॉर्थ कोरिया की सैटेलाइट है किसकी नॉर्थ कोरिया की पी साला का निधन हो गया ये वह क्या थी पी साला ये मलयालम नोवेलिस्ट थी मलयालम उपन्यासकार थी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने अभी दस लाख रुपए की पेनल्टी एयर इंडिया के ऊपर लगाई है डायरेक्टर जनरल कौन है डीजीसीए के हु इज अ डायरेक्टर जनरल ऑफ डीजीसीए डीजीसीए के डायरेक्टर जनरल का नाम क्या है डीजीसीए के डायरेक्टर जनरल बताए मित्रों कुछ लोग होंगे ना जिनकी हिम्मत टूट रही होगी अरे यार छोड़ यार कौन करेगा पीडीएफ से पढ़ लेंगे ठीक है ये सोने वाले लोग हैं बोलने में ही सर का सांस फूल गया हाय भगवान करे जितनी मेहनत मैं करता हूँ प्रभु इनको भी उतनी मेहनत करा दो सच बता रहा हूँ अगर उतनी मेहनत कर ली ना तड़प जाओगे प्रभु अगर मेरे को सुन रहे हो तो पूरे दिन जितनी मैं मेहनत करता हूँ ना पूरी रात जग के दिन रखे प्रभु जितने मेरे को देख रहे हैं ना इन सबको उतनी मेहनत जरूर करा दो अब ये पॉजिटिव है नेगेटिव है पॉजिटिव ही है उतनी मेहनत कर लोगे जिंदगी में सफल हो जाओगे लेकिन हम चाहते क्या हैं इन्वेस्ट करेंगे एक रिटर्न चाहेंगे दो अरे यार इन्वेस्ट एक करने पे एक परसेंट दो परसेंट का रिटर्न मिलता है तुम एक करने पे दो सौ परसेंट का रिटर्न चाह रहे हो कैसे पॉसिबल होता है नो 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 अब का एक मेरे दोस्त त्राहमाम त्राहिमाम करने लग गए हैं चलने दो ना क्या दिक्कत है आंसर यहाँ पर बनेगा विक्रम देवदत्त ओके विक्रम देवदत्त दत्त फॉर्मर वेस्ट इंडीज स्टार मार्लोन सैमुअल्स हैज बीन बैंड फ्रॉम ऑल क्रिकेट फॉर हाउ मेनी इयर्स फॉर ब्रीचिंग एंटी करप्शन कोड एंटी करप्शन कोड ब्रीच करने की वजह से कितने साल की पेनल्टी लगाई है मार्लोन मार्लोन सैमोल्स के ऊपर बताए मित्रों करंट अफेयर्स वाली बुक हिंदी में कब आएगी नेक्स्ट एडिशन आएगा हिंदी में ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं छह साल का प्रतिबंध लगाया आईसीसी 1909 में बना था दुबई यूएई जीरो हेडक्वार्टर ग्रैग बार्क ले न्यूजीलैंड से हैं चेयरमैन है सीईओ जॉप एलरडाइस ऑस्ट्रेलिया से हैं 108 देश इसके मेंबर हैं ओके हु ज्वाइन हैंड्स फॉर फ्री विद मतलब अभी हाल फिलहाल क्रिकेट एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड इन इंडिया के साथ एक कोलाबोरेशन किया है क्रिकेटर ने ओके okay? और इनको नागेश ट्रॉफी के लिए ब्रांड एंबेसडर बनाया गया है अब यहां पर इनका नाम है मोहम्मद कैफ ओके मोहम्मद कैफ ठीक है मोहम्मद कैफ नेक्स्ट तो ये क्रिकेट एसोसिएशन फॉर ब्लाइंड इन इंडिया इनका अभी कोलैबोरेशन हुआ इन्होंने एसोसिएशन किया है किस मतलब इन्होंने एक कोलैबोरेशन किया है मोहम्मद कैफ के साथ और इनको नागेश ट्रॉफी का ब्रांड एंबेसडर बनाया गया अब इस नागेश ट्रॉफी को हम लोग इस नाम से भी जानते हैं मेंस नेशनल टी ट्वेंटी क्रिकेट टूर्नामेंट फॉर ब्लाइंड तेईस 24 या तो एग्जामिनर ये पूछ लेगा नागेश ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है या तो फिर ये पूछ लेगा कि किस इवेंट के लिए अभी इनको ब्रांड एम्बेसिडर बनाएगा इस इवेंट के लिए और इसका ये सेकंड एडिशन होगा और क्रिकेटर असो, क्रिकेट एसोसिएशन फॉर ब्लाइंड इन इंडिया ने इसके लिए यहाँ पर समर्थम ट्रस्ट के साथ भी एक समझौता किया ये लाइन भी याद रखना गाइड संडे सेशन लेट्स टारगेट वन अरे वाह बहुत बढ़िया मेरे भाई लेट्स टारगेट वन थाउजेंड चलो भैया टारगेट करते हैं वन थाउजेंड तुम लोग यार शेयर वेयर करो दम लगा दो देखो टीम बैकहेंड से लगी हुई है बिल्कुल आपके लिए तुम लोग थोड़ी दम लगा दो टेलीग्राम वगैरह शेयर कर दो बता दो मित्रों को और मित्रियों को अरे जग जाओ शाम को ज्यादा देर बात की होगी उठे नहीं होंगे उनको जगा दो मेरे भाई सेशन को थोड़ा लंबा कर दो बड़ा कर दो अभी हमारे पास चालीस सवाल और हैं एक सौ दस के आसपास सवाल है डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड ने डीजीएफ ने अभी किस कंपनी के साथ एक समझौता किया है स्मॉल कि बिजनेसेस को मदद करने के लिए अंडर वन वन डिस्ट्रिक्ट प्रोडक्ट प्रोग्राम आगरा का पेठा पसंद है ओके आगरा का जूता भी पसंद है मेरे भाई लोगों को मतलब जूता बनता है मेरे भाई लेकिन खाना वो क्या पसंद करते हैं पेठा ओके तो वही बात हो रही है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट का एक प्रोडक्ट है जिसके लिए वो जाना जाता है जैसे अलीगढ़ ताले के लिए जाना जाता है ठीक है तो यहाँ लिखा वन डिस्ट्रिक्ट को और बेहतर बनाने के लिए और सपोर्ट करने के लिए इस प्रोडक्ट की पहुंच अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने के लिए या कोई भी इंटरनेशनल क्लाइंट अगर या कस्टमर कोई खरीदना चाहता है तो वो इस कंपनी के माध्यम से खरीद सकता है अब इस कंपनी का नाम है अमेजोन इंडिया ओके एमेजॉन इंडिया के साथ यहां पर समझौता हुआ है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरन ट्रेड का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट प्रोग्राम के लिए ओके okay? इससे फायदा क्या होगा जो इंटरनेशनल मार्केट होगी उसके जो बायर्स होंगे उनको यहाँ पर ऑर्डर प्लेस करने में मदद मिलेगी इस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के लिए e platform, okay? one district, one product, का यह होता है कि जो इंडिविजुअल डिस्ट्रिक्ट है उसको मतलब जो डिस्ट्रिक्ट है उसको उस प्रोडक्ट के इर्द गिर्द डेवलप किया जाए ओके okay? तो को एक्सपोर्ट हब बनाना समझ में आ रही है फॉर स्पेसिफिक प्रोडक्ट क्लोजली आइडेंटिफाइड विद दो जियोग्राफीज अब जैसे पेठा आगरा का है उसी प्रकार अजमेर का रोज हो गया ओके okay. और मिल्क प्रोडक्ट हिसार के ये फेमस है, है मेरे भाई समझ में आ गया क्लियर है डन नेक्स्ट यार विच बैंक अनाउंस अनाउंसरेट टाइप बजाज अलायंस लाइफ इंश्योरेंस का देखा में दोनों में, की आंसर क्या बनेगा कर्नाटक बैंक ओके okay? कर्नाटक बैंक फाइन यूके एक्सपोर्ट फाइनेंस के साथ अभी किसने एक समझौता किया है जिस समझौते के तहत एक फाइनेंसिंग प्रोग्राम यहाँ पर शुरू किया जाएगा उसके लिए एक अमाउंट अलग से रखा गया है ये कह रहे हैं कि ऐसे इंडियन एमएसएमई कॉर्पोरेट जो कि यूके से इम्पोर्ट करना चाहते हैं अब उनको फाइनेंस हम लोग करेंगे अब उसको फाइनेंस करने के लिए यूके एक्सपोर्ट फाइनेंस ने निम्न में से किस बैंक के साथ एक समझौता किया है और उसके तहत हंड्रेड मिलियन पाउंड का मेरे दोस्त ये फंड बनाया गया है हंड्रेड मिलियन पाउंड का यहां पर आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर वन एच इंडिया ओके एच इंडिया तो फाइनेंस एक यूके की एक्सपोर्ट क्रेडिट एजेंसी है इसके साथ एज इंडिया ने समझौता किया है किस चीज के लिए टू सपोर्ट इंडियन एमएसएमई कॉर्पोरेट फॉर फाइनेंसिंग देयर इंपोर्ट फ्रॉम यूके यूके से जो भी वो खरीदना चाहते हैं उसके लिए पैसा उनको उपलब्ध कराया जाएगा ओके

क्लियर मित्रो? है मित्रों बहुत बढ़िया ऑल ओके नेक्स्ट यार अब देखो कहा कि 125 मिलियन तो हमने एडीबी से ले लिया है 100 अब एक एक और अमाउंट लेंगे 125 जो लेंगे वो अदर जो डेवलपमेंट पार्टनर से उनसे लेंगे। अभी देखो, जल्दी आपको ये भी न्यूज मिल सकती है कि एलएनटी फाइनेंस ने 125 सौ पच्चीस लिए या उसको भी तोड़ ताड़ के लिया अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखो कि ढाई उठाना है इसको एक सौ ने एडीबी से उठा लिया है ओके किस स्टेट ने वर्ल्ड का पहला थ्री प्रिंटेड टेम्पल ध्यान से सुनिएगा थ्री प्रिंटेड टेम्पल है वो अपने राज्य में एक डिस्ट्रिक्ट है उस डिस्ट्रिक्ट का नाम है सिद्धिपेट जिला ओके और सिद्धिपेट जिले में भी एक जगह है ओके यहां पर ये टेंपल स्थित है तो देश का पहला देश का क्या कहेंगे विश्व का पहला थ्री डी प्रिंटेड टेम्पल कहां पर है तो इस डिस्ट्रिक्ट में इस डिस्ट्रिक्ट में इस जगह पे अब ये डिस्ट्रिक्ट और ये जगह किस स्टेट में है ये कहां पर है सर ये तेलंगाना में कहां पर तेलंगाना में

ताकि इनके द्वारा शपथ दिला दी गई थी वो इनका एक विवादास्पद निर्णय रहा था okay? अभी बंधन बैंक के एमडी एंड सीईओ के तौर पे किनको अपॉइंट किया गया बंधन बैंक के एमडी एंड सीईओ के तौर पे फिर से, फिर से से अपॉइंटमेंट रहा है चंद्रशेखर घोष साहब का ओके okay? चंद्रशेखर घोष बंधन बैंक 2001 में बना था कोलकाता वेस्ट बंगाल इसका हेडक्वार्टर है अनूप कुमार सिन्हा इसके चेयरमैन है अनूप कुमार सिन्हा आपका भला सबकी भलाई इसकी टैगलाइन है ठीक है भाईयों क्लियर है इतना समझ में आ गया डन इसकी टैगलाइन काफी बार पूछी गई है तो इसको जरूर याद रख लेना मेरे भाई ये दो हजार एक नहीं दो हजार पंद्रह ईयर चेंज करना टू थाउजेंड फिफ्टीन है टू थाउजेंड फिफ्टीन दो हजार पंद्रह में मेरे दोस्त उसको बनाया गया था फाउंड हुआ था ठीक है ये मैं पीडीएफ में करेक्ट कर दूंगा डोंट वरी अनिश साहिद फिक्की प्रेसिडेंट दो हजार तेईस चौबीस मतलब को, Industry, उसका 2023 के लिए अध्यक्ष किया गया अभी तो चलो ये सक्सीड तो, क्योंकि ऐसा है कि अभी, तो, मतलब ये बनेंगे, अभी तो नाम अनाउंस हुआ है तो सही है लाइन को दिक्कत नहीं यहाँ पर आंसर है शुभ्राकांत पांडा ओके okay? उन्नीस सौ सत्ताईस से बना था हेडक्वार्टर नई दिल्ली हेडक्वार्टर विल बिकम नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड व्हाट इज द कैपिटल ऑफ न्यूजीलैंड कैपिटल है वेलिंगटन करेंसी कर डॉलर चलती है तो ये याद रखना अगले प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के कौन है क्रिस्टोफर लक्सन ओके क्रिस्टोफर लक्सन असल में है क्या दो लोगों को यहाँ पर उप प्रधानमंत्री भी नियुक्त किया गया डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर एक का नाम है विंस्टन पीटर्स और एक का नाम है डेविड सैमोर ओके तो ये दो नाम डेप्यूटी पीएम के और याद रख लेना पीएम एंड डेप्यूटी पीएम डैनियल नोबुआ की बात करते हैं इक्विडेयर के राष्ट्रपति बने ही रिप्लेड हुआ किसका स्थान लिया गुलेर्मो लासो का ला लासो ओके इनकी जगह पे पेनियल नोबुआ इक्केड के राष्ट्रपति चुने गए हैं प्रेसिडेंट के पैंतीस वर्ष की उम्र में सेकंड यंगेस्ट प्रेसिडेंट बन गए देश के इतिहास में और जुआन जोस फ्लोर्स यंगेस्ट थे इनसे पहले असल में इस ए, ए, एक जो ये प्रेसिडेंशियल जब इलेक्शन चल रहे थे उस दौरान इक्विटेयर के एक प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट थे फर्नांडो फर्नांडो विसेंसियो ओके इनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी पॉलिटिकल रैली के दौरान तो ये नाम भी आप याद रख सकते हैं अकॉर्डिंग टू OECD, which country topped कंट्री टॉप द लिस्ट ऑफ एड प्रोवाइडिंग कंट्री इन मतलब यह है कि कौन सा देश वो देश है जिसने सबसे ज्यादा मेरे दोस्त मदद या सहायता दी है 2022 में जर्मनी जापान फ्रांस उसके बाद दूसरे तीसरे चौथे नंबर पे आते हैं ओके okay, तो यहां पर आंसर है ऑप्शन नंबर वन यूएस क्या नाम है बेटा यूएस यूएस टॉप पे रहा अफगानिस्तान को सबसे ज्यादा पैसा मिला है अभी अब तो, तो बात हुई देने की मैं बात कर रहा हूँ बीस सालों में दो से लेकर दो की बात करें दो डेकेड की सबसे ज्यादा पैसा मिला अफगानिस्तान को कितना 111 बिलियन यूएस डॉलर ओके दूसरे नंबर पे आपका यहां पर आता है नेक्स्ट मोस्ट फेवर्ड नेशन और रिसीविंग यूएस एड वाज इजराइल ओके okay, इसराइल को दूसरे नंबर पे पैसा मिला सिक्सटी फाइव बिलियन यूएस डॉलर ओके और तीसरे नंबर पे आता है इराक सिक्सटी फोर बिलियन यूएस डॉलर क्लियर है भाई पहले पे अफगानिस्तान है दूसरे पे इसराइल है तीसरे पे इराक है देखो ये लिस्ट दिखाता हूं पहले पे अफगानिस्तान है ठीक है दूसरे पे इसराइल दो हजार तेईस के बीच की बात हो रही है अब इन्होंने एक लाइन और आगे एड करी इन्होंने कहा चलो ठीक है ये तो समझ में आ गया कि सबसे ज्यादा पैसा किसको मिला है लेकिन उसमें भी अगर मिलिट्री के लिए पैसा किसको सबसे ज्यादा मिला यूएस मिलिट्री फाइनेंसिंग के लिए मतलब मिलिट्री फाइनेंसिंग सबसे ज्यादा 2022 में किसको की गई वो इजराइल को की गई है फिर उसके बाद यहां पर इजिप्ट को की गई है फिर जॉर्डन को की गई इराक फिर लेबन और कोलंबिया इन देशों को मेरे मिलिट्री फाइनेंसिंग की गई तो आप देखेंगे पहले पे दूसरे पे पे दूसरे इजिप्ट तीसरे जॉर्डन फिर फिर इराक फिर ये वो देश है जहां पर सबसे ज्यादा जो पैसा मिला है वो मिलिट्री एड के तौर पर यहां पर पैसा सबसे ज्यादा मिला है सभी चीजों के लिए यहां सिर्फ स्पेशली मिलिट्री एड के तौर पर पैसा सबसे ज्यादा इसराइल को फिर इजिप्ट को फिर जॉर्डन को इराक और फिर लेबन को दिया गया है बात समझ में आ गई मेरे भाई क्लियर हो गई यहाँ पर और एक एनालिसिस यहां पर यह आती कि यूएस ने 2001 से 2023 के दौरान 677 डॉलर यहाँ पर 677 यूएस डॉलर 213 देशों को दिया है ओके 213 देशों को बात समझ में आगे भाई क्लियर है ऑल ओके okay. किसी प्रकार का डाउट रिपोर्ट मैंने पूरी क्लियर कर दी है आई होप क्लियर होगा मेरे भाई किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होगा ठीक है

23A, done. 1986 में में हुआ था था ये बना ठीक है डबल ग्रेटर लंदन, मतलब एक ग्रेटर लंदन जो है है और इसका मतलब जो उसके आकार से भी डबल साइज में चार हजार वर्ग मीटर में है ये पंद्रह वर्ग मील बोल सकते हो पंद्रह सो स्क्र माइल बोल सकते हो 400 मीटर थिकनेस है इसकी 823 ट्वेंटी थ्री इज नॉट मेयरली वाइड इट सरपा इवन यूरोप टॉलेस स्काई स्क्रैपर जो यूरोप की सबसे ऊंची गगन चुंबी इमारत है लंदन शार्ड ओके उसको भी इसने पीछे छोड़ दिया वो 310 मीटर की है और यहां पर आप देखो इसको 400 मीटर बहुत बड़ी बात है मेरे भाई ये डेटा याद रखना डेटा याद रखना मेरे भाई विच विद दिच ऑफ एग्रीमेंट ऑन सेमी कंडक्टर ने सेमी कंडक्टर के क्षेत्र में रिसर्च के लिए भारत ने सेमी कंडक्टर के क्षेत्र में रिसर्च के लिए टैलेंट डेवलपमेंट के लिए निम्न में से किसके साथ समझौता किया यूरोपियन यूनियन के साथ समझौता किया किसके साथ बेटा यूरोपियन यूनियन यूरोपियन यूनियन के साथ समझौता <laughs> हुआ

अप्रैल 2022 में भारत विजिट के दौरान इसको लॉन्च किया था तो ये ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल का नाम जरूर याद रखना भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में लॉन्च की गई थी अप्रैल 2022 में यूरोपियन यूनियन तिरानवे में बना था बेल्जियम बेल्जियमर है सत्ताईस है जो यूरोपियन काउंसिल है इसके प्रेसिडेंट का नाम है चार्ल्स मिशेल प्रेसिडेंट कमीशन की उर्सूला वॉन्डर है जबकि पार्लियामेंट की, की रॉबर्ट रॉबर्ट आटसूला रॉबर्ट आोला तो ये पार्लियामेंट यूरोपियन पार्लियामेंट यूरोपियन कमीशन यूरोपियन काउंसिल तीनों के अध्यक्ष के नाम क्लियर है क्लियर क्लियर है मेंबर क्लियर है मेंबर मेरे भाई और away, राजकुमार कोहली का निधन हो गया वह क्या थे तो सर ये क्या थे राजकुमार कोहली सर ये डायरेक्टर प्रोड्यूसर थे डायरेक्टर जानी दुश्मन मूवी रही थी ना नाग नागिन वाली मेरे भाई उसको इन्होंने ही प्रोड्यूस किया था डायरेक्ट किया था विच एयरलाइन विल बी द फर्स्ट एयरलाइन टू लॉन्च फ्लाइट फ्रॉम नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कौन सी एयरलाइन नोएडा इंटर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरने वाली या उड़ान शुरू करने वाली पहली एयरलाइन होगी इंडिगो ठीक है इंडिगो तो ये फर्स्ट फेज जो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है ग्रीन मतलब होता है नया ब्राउन फील्ड मतलब पुराना ये जो एयरपोर्ट है दिल्ली से पिछहत्तर किलोमीटर दूर गौतम बुद्ध नगर में जेवर में, में मेरे दोस्त बन रहा है ये उत्तर प्रदेश में बन रहा है ओके और कहा जा रहा है कि दो हजार चौबीस तक ये बनकर तैयार हो जाएगा इंडिगो को दो हजार छह में बना था गुरुग्राम हरियाणा है पीटर एल्बर्ट्स इसके सीईओ सीईओ पीटर एल्बर्ट्स इसके CEO, ओके इंडिया यूके डिफेंस कंसल्टेटिव ग्रुप की जो मीटिंग रही थी नई दिल्ली में रही थी ऑन बिहाफ ऑफ इंडिया हु टुक पार्ट इन द मीटिंग ओके भारत की तरफ से इस मीटिंग में किसने पार्ट किया था पार्टिसिपेट किया था बताइए भारत की तरफ से इस मीटिंग में किसने पार्टिसिपेट किया था बहुत बढ़िया आंसर बनेगा बेटा गिरधर आराम जो कि अरमाने जो कि डिफेंस सेक्रेटरी हैं। इंडिया को अभी इंटरनेशनल सुगर ऑर्गेनाइजेशन का नब्बे देशों का ये इसका लंदन यू है, के हेडक्वार्टर जॉस ऑरिव एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है ओके लंदन हेडक्वार्टर आई एसओ अभी इसकी सिक्सटी थर्ड काउंसिल की मीटिंग रही थी उस दौरान ये डिसीजन लिया गया था फैक्ट यहां से इंपॉर्टेंट है देखो कल मैंने तुमसे पूछा था लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है तो सभी ने आंसर दिया था कि भारत है पीआईवी पे जो पे डेटा दे रखा है ना वो दो हजार बाईस का दे रखा है दो हजार बाईस का जितना भी तुम लोग मुझे बता रहे हो वो दो हजार बाईस का डेटा दे रखा है और जितने भी न्यूज पेपर में अभी बोल रहे हैं मैंने एक से लेकर मेरे भाई आखिरी तक इवन पी आई बी का अपडेटेड डेटा भी अगर आप उठाओगे मैं एक मिनट आपको दिखाऊं एक सेकेंड दिखाती हूँ उसमें इंडिया को बड़ा दिखा रहे हैं इंडिया को सेकंड लार्जेस्ट दिखा रहे हैं एक सेकंड मैं आपको साइड पे ले चलता हूं मैं इसलिए इसको बता रहा हूं क्योंकि कंफ्यूजन किसी प्रकार का ना रहे। बाद में तुम लोग मेरे से ये ना कहो अरे भाई आपने ये बताया था देखो ये कहाँ गए हम लोग Chrome, ये देखो ये आपको दिख रहा है डेटा yes no? पी आई भी दिख रहा है पैराग्राफ एक दूसरा वाला पैराग्राफ पढ़ो एक मिनट मैं अपने को हाइड कर रहा हूं सेकंड पैराग्राफ पढ़ो यहां पर क्या लिखा है इंडिया हैज बीन द लार्जेस्ट कंज्यूमर एंड सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर इन द वर्ल्ड ओके 15 परसेंट ऑफ शेयर इन ग्लोबल शुगर कंजम्पशन भारत का है जबकि 20 परसेंट भारत का प्रोडक्शन में शेयर है ओके okay? बात समझ में आ गई क्लियर हो गई नब्बे देशों के संगठन का भारत मेंबर बन गया है ऑल क्लियर तो इंडिया को हाईएस्ट कैन प्राइस इन द वर्ल्ड इंडिया हाईएस्ट कैन प्राइस टू शुगर फार्मर इंडिया बिकम चेयर ऑफ आई ये हम लोग पढ़ चुके हैं इंडिया अचीव ट्वेल्व एथोनॉल ब्रांडिंग दो हजार बाईस का टारगेट है यहाँ पर इसको बीस परसेंट पे लेकर आने का ओके और एथोनॉल में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर में भी बात करें तो ब्राजील है मेरे भाई ठीक है डल यहाँ पर देखो लिखा था एक पॉइंट और लिखा हुआ था यहाँ हम्म 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 उसमें यूएस रहा था ब्राजील रहा था टॉप थ्री में इंडिया रहा था चलो आगे बढ़ते हैं अपनी न्यूज पे आते हैं क्या हो रहा है चलो समझ में आया? है? यही तो बोल रहे इतनी देर से शुगर का लार्जेस्ट ब्राजील है कंज्यूमर इंडिया है बेटा ऐसा है कल काफी बच्चों से मैंने होमवर्क पूछा था तो उसमें उन्होंने दोनों में इंडिया को बड़ा बता दिया था तो 15 परसेंट ग्लोबल शुगर कंजम्प्शन में भारत है मतलब ग्लोबल शुगर कंजम्शन सौ होता है तो भारत उसमें फिफ्टीन शेयर रखता है और अगर प्रोडक्शन होता है मेरे भाई सौ तो उसमें बीस भारत का शेयर है इंडिया लार्जेस्ट कंज्यूमर है जबकि सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जो है वो ब्राजील है शुगरकन का इवन एथोनल का भी विश्व में ओके अभी एक एक्सरसाइज रही थी सूर्य के सूर्य किरण इंडिया नेपाल के बीच में रही थी उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में रही थी इस जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज का एडिशन कौन सा रहा था संस्करण कौन सा रहा था संस्करण 17th एडिशन रहा था डन मेरे भाई मजा आ गया समझ में आ गया क्लियर हो गया ओके चलो नेक्स्ट यार इंडियन आर्मी कंटिंजेंट की लीड किसने किया था कुमाऊ रेजिमेंट ने ओके कुमाऊ रेजिमेंट ने कुमाऊ रेजिमेंट ने, विच कंट्री विल बी पार्टनर कंट्री ऑफ टेन डे हॉर्नविलेस्टिवल एट नागा हेरिटेज विलेज किसामा असल में है क्या की नागालैंड का ये फेस्टिवल है दस दिन का ये फेस्टिवल होता है एक दिसंबर से दस दिसंबर तक मनाया जा रहा है नागा हेरिटेज विलेज में रहेगा किसामा में ओके सवाल बहुत सिंपल साइज हॉर्नविल फेस्टिवल में पार्टनर कंट्री कौन कौन से देश होंगे पार्टनर कंट्री तो पार्टनर कंट्री यहाँ पर होंगे कोलंबिया जर्मनी यूएस ओके कोलंबिया जर्मनी और यूएस डन मेरे भाई तो हॉर्नबिल फेस्टिवल ये नागा हेरिटेज विलेज किसामा में होगा और ये बारह किलोमीटर दूर है किसामा कोहिमा से फेस्टिवल जो होता है अक्सर मेरे दोस्त एक से दस तारीख के बीच में रहता है ठीक है कोहिमा डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट फेस्टिवल जो रहा था दिसंबर 2000 में रहा था 2000 में रहा था ये ओके okay? हॉर्नबिल एक पक्षी का नाम है उसके नाम पर ये फेस्टिवल है पक्षी का नाम है हेमर थ्र रचना कुमारी इनको अभी डोप टेस्ट में पॉजिटिव पाया गया है थलेटिक इंटीग्रिटी एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट जो इंटरनेशनल फेडरेशन की है उसने ये टेस्ट कंडक्ट किया था डोप टेस्ट उसमें ये पॉजिटिव रही है शी इज फ्रॉम विच स्टेट ओके शी इज फ्रॉम स्टेट उत्तर प्रदेश ओके okay? ये कहाँ से उत्तर प्रदेश से है ऑलराउंडर इमाद वसीम इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया इंटरनेशनल क्रिकेट से ही इज फ्रॉम विच कंट्री ही इज फ्रॉम पाकिस्तान ओके पाकिस्तान से है तो यार चौबीस का जो ब्रिक्स समिट होगा ये रशिया के किस शहर में होगा कजान में होगा ये कौन सा एडिशन होगा कौन सा एडिशन मेरे दोस्त देखो एक घंटे पच्चीस मिनट का हमारा सेशन हो चुका है अभी दस मिनट और जाएगा ये ठीक है दस मिनट और जाएगा एक घंटा डेढ़ घंटे का सेशन नॉन स्टॉप बोलना अब उसके लिए सोचो कितनी मेहनत लगती है कंटेंट तैयार करने में मेरे को बात मतलब बहुत बेकार लगता है जब तुम लोग ना इतना गंदे तरीके से बोलते हो अरे सर लेट हो गए कि ये हो गए वो हो गए अब यार कॉन्टेंट अगर मैं गलत ले आऊंगा ना तुम ज़्यादा गाली दोगे भले थोड़ा लेट ले आऊँ टाइम लगता बनाने में मैं खुद बनाता हूँ अगर मैं एक बार बताऊँ अगर नहीं खुद बनाऊंगा तो इतने ऑप्शन के साथ कैसे खेल पाऊंगा कोई कंटेंट राइटर कभी उस लेवल का कंटेंट दे नहीं सकता फैकल्टी जो चाहता है मेरे भाई जब तक फैकल्टी अपना हाथ नहीं लगाएगा काम नहीं चलेगा तो तुम्हारे लिए अगर मैं कंटेंट खुद तैयार कर रहा हूँ अपनी दिन रात एक कर रहा हूँ रात को सोआ था सो तो मैं क्या था एक बजे अब बेचैनी हो रही थी आंख नहीं लग रही मेरे भाई कभी इधर करवट पलट कभी इधर करवट पलट है अब नींद नहीं आ रही नींद नहीं आ रही तो फिर सोचा क्या करें चलो पीपीटी बना लेते हैं अब पीपीटी बनाना शुरू किया शुरू किया सुबह साढ़े चार बज गए अब साढ़े चार बजे सोने के लिए चले गए अलार्म लगाए पांच घंटे नींद लेनी है तो अलार्म लगाया साढ़े नौ बजे का अब साढ़े नौ बजे जब उठे तो एक दिन दो दिन के शायद एम सी क्यू मुझे और रेडी करने थे वो मैंने रेडी करे फिर उनके एक्सप्लेनेशन डाले फिर उनको अलाइन किया अब हर दिन के एमसी क्यू जब आप जोड़ोगे तो मेरे भाई नंबर तो अलग होंगे अब एक से एक सौ नौ तक भी ले जाने एक सौ दस तक नंबर भी लिखने हैं फिर आपको देखना एरर भी नहीं है फिर भी एक दो एरर रह जाते हैं तो समय लगता है यार अपनी माता जी से पूछो कि रोटी जो तुम मेरे दोस्त फट सीना एक मिनट में खा लेते हो ना उसके लिए कितनी जद्दोजहद करनी पड़ती है ठीक है कभी जाके देखो तब समझ में आएगा इसलिए कहता तो हूँ प्लीज ट्राई टू रिस्पेक्ट मेरी मत करो <laughs> कंटेंट के करो यार बहुत बेकार लगता है ऐसे गंदे तरीके से बोलते हैं आई एम नॉट अ ग्रेट ओके एवरी वन इज डूइंग एफर्ट ओके अपनी जॉब सब कर रहे हैं और जॉब से अलग हट के भी हम लोग मेहनत कर रहे हैं संडे को भी बैठ के अगर डेढ़ घंटा मैं दे रहा हूँ तो डेढ़ घंटे के पीछे की मेहनत देखो सिर्फ ये नहीं कि मैं आके बैठ के पढ़ा रहा हूँ मैंने अपनी पूरी सुबह खराब करी है पूरी रात अपनी ख़राब करी है मेरे भाई ख़राब करता हूँ सच में क्यों खराब करता हूँ कि उसका इंपैक्ट सर मेरी लाइफ पर नहीं पड़ता मेरी पूरी फैमिली की लाइफ पर भी पड़ता है कि नहीं हाँ यार हमारा भी संडे आप को हो जाएगा। अब शिफ्ट होता है यार? सुबह सात बजे का वो दिन बता दो जब सेशन एक दिन ना हुआ हो शादी से लेकर मेरे भाई हर दिन तक मैंने अपने सेशन लिए हैं कभी छोड़ता नहीं हो एक सिर्फ ये होता है कि घर में कभी किसी प्रकार से किसी तरीके की अनुहोनी हो गई किसी व्यक्ति विशेष की डेथ हो गई तब कहीं जाना पड़े तो वहां पर मेरे दोस्त इतना भी पत्थर नहीं हूँ कि वहाँ ना जाऊँ तो वहाँ पर एक सेशन बंद करता हूँ अदरवाइज तो मेरे दोस्त कभी नहीं बंद होता उसके बाद फिर ऐसे मैसेज करना इस तरीके की बातें करना ये थोड़ा मतलब बेकार है मेरे को मत रिस्पेक्ट करो कॉन्टेंट को करो इवन मेरे हम जैसे फैकल्टीज को मेरे भाई और जितने भी ना जिनसे आप पढ़ते हो सबके रिस्पेक्ट करो इंसान बीमार हो सकता है मशीन नहीं है मशीन भी खराब होती है मेरे भाई तो कैसे आप कह सकते हो देखिए आपकी उम्मीद तो इतनी ज़्यादा है कि दिन रात सुबह शाम हम हमेशा अवेलेबल रहे फिर भी कोशिश करते हैं अवेलेबल रहने की लेकिन फिर भी आप भी तो समझो कि हम भी तो इंसान इंसान है मेरे भाई इवन हर कोई इंसान है तो गिव रिस्पेक्ट यार गिव रिस्पेक्ट ये दुनिया गोल है मेरे दोस्त अगर आप जैसा व्यवहार करते वैसा व्यवहार हमें फील होता है कल को आप भी बैठेंगे हमारी जगह पे सच में बैठेंगे तब आप भी एक्सपेक्ट करेंगे सामने से कि किसी दिन कस्टमर बैंक में बैठे तुम लोग पीओ हो मेरे भाई कस्टमर आ गया और तुम कह रहे हो सर लंच कर लेने दो वो कह रहा नहीं मेरे को तो काम करना है फिर कैसा लगेगा बुरा लगेगा तब तुम्हें मेरी याद आएगी अरे हम भी तो ऐसी व्यवहार करते थे समझो मेरे दोस्त ठीक है तो जैसा करते ना वैसा हमें फिर फील होने लगता है समत करो गलत मत बोलो ठीक है चीजें हैं ऊपर नीचे हो जाती हैं चलती रहती हैं लगातार तो नहीं है समझा करो ठीक है ये एडिशन कौन सा फिफ्टींथ इस दो हजार तेईस में रहा था ये किसने होस्ट किया था ब्रिक्स साउथ अफ्रीका ने जोहानिसबर्ग में रहा था सिक्सटीन ये रशिया होस्ट करेगा फिफ्टीन ब्रिक्स समिट ये देखो लिखा हुआ है इसमें सब यहाँ पर अभी खत्म नहीं हुआ सेशन ठीक है फिफ्टीन ब्रिक्स समिट ये जोहानिसबर्ग साउथ अफ्रीका ब्रिक्स लीडर एग्री हुए हैं इन देशों को ज्वाइन कराने के लिए अर्जेंटीना इजिप्ट ईरान सऊदी अरब इथोपिया यू ओके पाकिस्तान ने भी कहा है कि मैंने भी अप्लाई कर दिया ब्रिक्स की मेंबरशिप के लिए अब इसको मिलेगा नहीं मिलेगा वो बात की बात है ठीक है नेक्स्ट इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वीमेन इज ऑब्जर्ड ऑन विच डे किस दिन किस दिन मनाया जाता है बताइए ये दिन किस दिन मनाया जाता है ये दिन किस दिन मनाते हैं पच्चीस नवंबर ठीक है अब इसका कैंपेन जो है ना कोई थीम वीम नहीं थी इसकी कैंपेन का नाम दे रखा है यूनाइट इन्वेस्ट टू प्रिवेंट वायलेंस अगेंस्ट वीमेन गर्ल्स नो एक्सक्यूज देखो इसमें लिखा हुआ है कि हर मतलब मोर देन फाइव और गर्ल्स आर किल्ड एवरी आर इन देयर फैमिली मतलब अपनी फैमिली में कहा जा रहा है कि लोगों के द्वारा ही मतलब महिलाओं को मार दिया जाता है बच्चियों को मार दिया जाता है और मोर देन फाइव वीमेन गर्ल्स आर किल्ड एवरी ईयर हर घंटे में पांच से ज्यादा बच्चियां और लड़कियां मारी जाती हैं परिवार के द्वारा ही परिवार में, में मेरे भाई दो हजार इक्कीस में लगभग पांच में से एक ऐसी महिला रही थी जिसकी उम्र बीस से चौबीस वर्ष है और उसकी शादी अठारह वर्ष से पहले हो गई थी ओनली थ्री वीमेन इन हैव बीन सब्जेक्टेड टू वन इन मतलब तीन में से एक महिला ऐसी है जिसने कम से कम एक बार अपने जीवन में वायलेंस फेस किया है ओके ये सब फैक्ट है रीड कर लेना अनन्य बिरला फाउंडेड स्वतंत्र स्वतंत्र माइक्रोफिन प्राइवेट लिमिटेड है असल में है क्या इस कंपनी ने कंपनी को एक्वायर कर लिया स्वतंत्र माइक्रोफिन प्राइवेट लिमिटेड इसने एक्वायर किया है चैतन्य इंडिया फिन क्रेडिट प्राइवेट लिमिटेड को अब कितने में एक्वायर किया है इसने कितने में एक्वायर किया है तो इसने एक्वायर किया मेरे भाई वन फोर सेवन नाइन करोड़ में वन फोर सेवन नाइन करोड़ में ओके दिस मेड स्वतंत्र सेकंड लार्जेस्ट एनबीएफसी एमएफआई अब इसकी वजह से

वो टोटल पिछहत्तर एंटिटीज है जिनको इन्होंने अलर्ट लिस्ट में डाल दिया है जो कि फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में मतलब उस वो, वो लिस्ट है जिसमें कि अनऑथोराइज है ओके अब अनऑथोराइज का मतलब ये है कि फेमा एक्ट के तहत ये फॉरेक्स में डील नहीं कर पाएंगे और इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म डायरेक्शन डिर्थ। दो, यारेक्षिन दो यारेक्षिन के तहत फॉरेक्स ट्रांजेक्शन के लिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे ओके अब इन इनपे ये इस तरीके का प्रतिबंध लगा दिया गया है इन एंटिटीज के नाम रीड कर लेना पढ़ने की जरूरत नहीं है ओके बैंक किस बैंक ने भी एक मिलियन यूएस डॉलर का लोन दिया है कोची में सप्लाई सर्विसेज वाटर सप्लाई सर्विसेज को मॉडर्नाइज करने के लिए ठीक है मॉडर्नाइज करने के लिए बताइए किसको यहां पर दिया मेरे भाई ठीक है

ओके कमेटी ऑफ एडवाइजर बनाई गई है इस एडमिनिस्ट्रेटर को सजेस्ट करेंगे वो यहाँ पर और इसमें वेंकटेश हैगड़े महेंद्र छाजड़ और सुभाष गोखले तीन नाम और याद रख सकते हो समझ में आ गया ये क्लियर हो गया

ओके okay? और तो मैं क्या करता हूँ जो नेक्स्ट वीक है ना उसमें अक्टूबर फर्स्ट अक्टूबर सेकंड अक्टूबर थर्ड अक्टूबर फोर्थ पूरा रिवाइज करा दे रहा हूँ जैसे हम लोगों के नवंबर के सारे रिवाइज हो गए नवंबर का पहला दूसरा तीसरा चौथा एक वीक के लगभग पचपन एमसीक्यू कोशिश ये रहेगी आज शाम तक मेरे भाई उसके भी पचास एमसी की निपटा दू तो एक सेशन में देख लूंगा अभी कमिटमेंट नहीं कर रहा वो थोड़ा रेस्ट करने के बाद देखूंगा उसको बनाना भी पड़ेगा इसकी पीडीएफ को भी अभी फॉर्मेट में डालना पड़ेगा उसको भी प्रिंट के लिए आपको देना पड़ेगा तो काफी टाइम लगेगा कोशिश करूंगा मेरे भाई नवंबर आज पूरा निपट जाए ये वीक के साथ एक वीक के पचास और एमसी वो निपट जाए उसके बाद हम लोग मंडे से ये करेंगे अक्टूबर पहला दूसरा तीसरा चौथा निपटा देंगे ठीक है यहाँ पर ये समझौता मास्टर कार्ड के साथ रहा था मास्टर कार्ड तो मास्टर कार्ड का एक प्रोग्राम है उसने एक ग्लोबल कमिटमेंट की है ये कह रहा है कि टोटल एक बिलियन लोग और पचास मिलियन जो माइक्रो स्मॉल बिजनेसेस होंगे ओके इनको हम डिजिटल इकोनॉमी में लेकर आएंगे 2025 तक जिसमें 25 मिलियन फीमेल एंटरप्रनोर भी रहेंगे डन इंडसेंट बैंक ने क्या कहा है कि जो CbDCS का इस्तेमाल करेंगे ट्रांजैक्शन के लिए

नेक्स्ट इन्वेस्टर वॉरेन बफेट ओन्ड जो बी एच बी एच आपको काफी जगह लिखा मिलेगा वर्कशायर हेल्थ पे ओके okay? ये वॉरेन बफेट ओन्ड कंपनी इसमें इन्वेस्टर है वॉरेन बफेट और इन्होंने क्या कहा है कि हमने अपना पूरा एंटायर स्टेक पेटीएम में या फिर 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड में बेच दिया है एंटायर स्टेक की परिभाषा यहाँ पर 2.46 कुछ जगह आपको राउंड ऑफ में मिलेगा 2.5 तो इन्होंने लगभग 2.5 परसेंट अपनी हिस्सेदारी बेच दी है और कितने में बेची तेरह करोड़ रुपए में बेच दिया खरीदी किस किसने खरीदी है जबकि तो ने खरीदी पॉइंट सेवन परसेंट तो ये दोनों चीजें आप पढ़ सकते हो टू एग्जैक्ट बनेगी 2 टू पॉइंट मतलब इन्होंने इतनी इतनी खरीदी है वैसे तो इन्होंने टू बेची है ये दोनों की मिला के टू नहीं बन रही है अभी और हिस्सेदारी बची हुई है बेचने के लिए बट इन्होंने मेरे दोस्त तो इतनी बेच दी अपनी मतलब इन्होंने तो अपना इंटरेस्टिक बेच दिया इतना तो आप याद रखना इतना याद रखना ठीक है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है बताइए निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है यहां पर आंसर बनेगा बेटा सभी ट्रू है अभी आरबीआई ने टेन पॉइंट थ्री फोर करोड़ की पेनल्टी लगाई थी तीन बैंक के ऊपर तीन बैंक कौन से सिटी बैंक बैंक ऑफ बड़ौदा एंड इंडियन ओवरसीज बैंक पांच करोड़ की पेनल्टी लगाई सिटी बैंक के ऊपर करोड़ की पेनल्टी बैंक ऑफ बड़ौदा के ऊपर इंडियन ओवरसीज बैंक के ऊपर एक करोड़ की पेनल्टी तो टोटल मिलाकर मेरे भाई टेन पॉइंट थ्री फोर करोड़ पेन लगाई हिंदी भी आपके सामने यहाँ पर भी सभी सत्य बनते हैं ये इसका एक्सप्लेनेशन है मेरे भाई किस परपज से पेनल्टी लगाई गई ओके मेरा ओवरऑल सेशन आई होप होपर क्लियर रहा होगा सारी चीजें बेहतर लगी होंगी एक सौ नौ सवाल ओके विद एक्सप्लेनेशन है कहीं पर भी ऐसा नहीं कि आपको एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा डेढ़ घंटे की क्लास है आप लोगों से बस इतनी रिक्वेस्ट रहेगी कि इस क्लास को रिस्पेक्ट देना शुरू करो वीकली एम सी की संडे को हम लोग बारह बजे ही रखा करेंगे नेक्स्ट टाइम से बारह बजे का ही फिक्स शेड्यूल रहेगा अपना ओके okay? बाकी वॉरियर प्रो बैच कल से हम लोग नवंबर मंथली करंट अफेयर्स पढ़ना यहाँ से शुरू कर देंगे प्लस यहाँ पर हमारा फाउंडेशन बैच शुरू हो चुका है सारथी बैच जो कि वॉरियर प्रो का पार्ट है आप जाके एनरोल कर सकते हैं इसमें इसके लिए आपको अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन एप्लीकेशन पे जाना है एप्लीकेशन पे जाके व्यू ऑफर में कोड लगाना है वाई वन सिक्स एट सेवेंटी एट परसेंट डिस्काउंट मिलेगा वन फोर नाइन सिक्स का ये बैच मिलेगा ट्वेल्व मंथ वैलिडिटी मिलेगी ओके एस बी आई क्लर्क का प्री प्लस मेन्स का बैच आ चुका है शुरू हो चुका है अलग से आपको एस बी आई का बैच नहीं लेना तो आप बैंक महापैक ले सकते हैं बैच भी ले सकते हैं बैंक महापैक भी ले सकते हैं मेरे भाई आपको सिर्फ एस बी आई की तैयारी करनी तो एस बी आई का बैच लीजिएगा नहीं आपको लगता है नहीं मेरे को तो बैंक महापैक चाहिए एस बी आई की भी क्लासेस चाहिए प्री मेन्स की मुझे यहाँ पर आपकी भी क्लासेस चाहिए फाइनेंशियल अवेयरनेस की तो फिर आपके लिए बैंक महापैक है कोड सभी में कॉमन है मेरे दोस्त वाई वन सिक्स एड ओके और मेरे एक बुक है जो कि मैंने जुलाई अगस्त सितंबर का एडिशन लॉन्च किया क्यों लेट कर रहे हो क्यों समय मेरे दोस्त निकाल रहे हो बुक को लाओ और पढ़ना शुरू कर दो आप में से काफ़ी बच्चे हैं जिन्होंने बुक को ऑर्डर किया है काफ़ी ऐसे हैं जिन्होंने ऑर्डर नहीं किया है जिन्होंने ऑर्डर किया उनसे उसका फीडबैक लीजिए जिन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया है और आप लोग मेरे दोस्त उसको ऑर्डर करिए जुलाई अगस्त और सितंबर तीन महीने यहाँ करंट अफेयर्स के कवर हैं और यहाँ जो भी एम मैंने कराए हैं वो विद एक्सप्लेनेशन है आपको गूगल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी हर एक एमसीक्यू का आपको एक्सप्लेनेशन दे रखा है जहां पर जरूरत है वहां मतलब जहां जरूरत नहीं वहां तो बिल्कुल नहीं दिया मेरे भाई कहीं डेज वगैरह में नहीं जरूरत है अनावश्यक एक्सप्लेनेशन नहीं डाला बट हाँ, आपको 90 विद एक्सप्लेनेशन मिलेगा मतलब जैसे आप न्यूज डिटेल में पढ़ते हो वही फील आपको यहाँ पर एमसीक्यू में भी आएगा क्योंकि वही चीजें मैंने एमसीक्यू में रखी अक्सर न्यूज से आप एक सवाल बना पाते हैं बट एक्सप्लेनेशन से आप मेरे भाई बहुत सारे सवाल बनाते हैं तो एक्सप्लेनेशन बहुत जरूरी होता है तो यहाँ पर एक से ज्यादा एमसीक्यू है जुलाई का सितंबर का है और इस बुक में जो भी हम लोगों ने दिया है वो मेरे भाई एररलेस लेस से पहली चीज़ प्लस विदाउट एनी प्रमोशन आपको किसी भी पेज पर पे कोई ब्रांडिंग कोई प्रमोशन नहीं मिलेगा अदरवाइज आप मैक्सिमम जो मैगजीन वगैरह देखेंगे उसमें आपको प्रमोशन नहीं मिलता है मैक्सिमम अगर दस पेज की होगी तो चार पेज प्रमोशन होंगे छह पेज कंटेंट होगा यहाँ मेरे दोस्त हंड्रेड परसेंट आपका कंटेंट है ओके कंटेंट एक्सप्लेनेशन एमसीक्यू एक्सप्लेनेशन खुद का कंटेंट है खुद के कंटेंट में मुझे बहुत भरोसा रहता है जैसे मैं यहाँ एक सौ नौ सवाल खुद तैयार करता हूँ ठीक है मेरा कॉन्टेंट मैं हमेशा बोलता हूँ मेरे दोस्त बोलता है ठीक है इवन यार जो भी फैकल्टीज तैयारी कराते हैं आप सभी लोगों को सब मेहनत ही करते हैं ठीक है तो आप प्लीज़ रिस्पेक्ट दीजिए कंटेंट पढ़िए उनका निश्चित तौर पे आपको सफलता मिलेगी बट इस बुक को जरूर अपने पास रखें अध्ययन करंट अफेयर्स बुक को ये बुक के जो प्राइस है वो 240 है बट अभी डिस्काउंट है तो यहाँ पर ये 197 या वन नाइन में आपको बुक मिल जाएगा आई थिंक मैं एक बार चेक करा देता हूँ आपको स्टोर पर ले चलता हूँ कि इसके प्राइस क्या है ठीक है वन मिनट चलिए लेते हैं स्टोर पर देख ही लेते हैं <गया> अब जैसे आप स्टोर पे जाएंगे तो स्क्रॉल डाउन करना ओके okay? यहाँ पर जाना प्रिंटेड बुक में प्रिंटेड बुक में आप जैसे ही जाते हैं तो यहाँ पर आपको और भी बुक दिखेंगी यह अध्ययन करंट अफेयर सर्च भी कर सकते हैं और ये बुक दिख जाएगी आपको यहाँ आपको उसमें कोड लगाना है वाई वन सिक्स एट एस कोड ओके इसमें मई और जून की ई बुक दे दी गई है मई जून की तो मई जून ई बुक मिल जाएगा जुलाई का सितंबर प्रिंटेड मिल जाएगा अक्टूबर की भी आपको इसमें ई बुक मिल जाएगी ओके okay. इसी वीक में आपको ई बुक मिल जाएगी 185 की आपको ये बुक पड़ेगी वाई वन सिक्स एट एस कोड लगाकर इवन किसी भी बुक को ऑर्डर करना है टेस्ट सीरीज को मॉक को तो ये बुक ले, ये आपको कोड लगाना है ओके बाकी बैंक महापैक आप देख सकते हैं बैंक महापैक ओके ये मेंबरशिप होती है जो बैंक की तैयारी कर रहा है उनके लिए बैंक महापैक है जो एसएससी की तैयारी कर रहा है उसके लिए एसएससी एस सी महापैक है जो बैंक एसएससी दोनों की तैयारी कर रहा है उनके लिए अड्डा का महापैक है जो बैंक के साथ साथ रेगुलेटरी बॉडी की तैयारी कर रहा है लाइक आरबीआई ग्रेड भी नाबार्ड से, भी, से उनके लिए बैंक महापैक प्लस बनेगा ओके सभी में कोड है वाई वन सिक्स एट लाइव क्लासेस मैं अपना वॉरियर बैच आपको दिखा देता हूँ वॉरियर बैच आपको ये दिख जाएगा रहा ओके इसमें भी डबल वैलिटी है दिख रही है ट्वेल्व प्लस ट्वेल्व में तो और बढ़िया है आप जाके इसमें इनरोल कर सकते हैं वाई वन सिक्स एट कोड लगाएंगे यहाँ पर आपको थोड़ा ज़्यादा मिलेगा बट एप्लीकेशन से आपको एक्स्ट्रा वन परसेंट डिस्काउंट मिलेगा ओके वन फोर नाइन सिक्स का मिलेगा ठीक